मैं शिव कुमार सिंह अपनी तरफ से और टीम बलराम संदेश की तरफ से आप सभी पार्टिसिपेंट्स, वैज्ञानिक, छात्र छात्राएं और जो भी किसानी से संबंधित पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हमारी 51वीं वेबिनार है। हमने 50 वेबिनार यानी कि अर्धशतक पूरा कर लिया है। तो इसके लिए मैं टीम बलराम संदेश की सदस्यों को और जो भी हमारे किसान साथी हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अब हम बहुत जल्दी 100 पर भी जाएंगे। तो साथियों, हमने जो है लघु धान्य की सीरीज के बाद और धान की सीरीज के बाद में अरहर और आज जो है सोयाबीन की दूसरी वेबिनार। जी जी सर सर, शिव सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आप ठीक आ रही है सर? अरे आ रही आ रही है। वो जैसे आप ठीक सर आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी। देखिए आवाज आ रही है आवाज? आ रही है। तो आज की जो 51वीं वेबिनार है उसके हम शुभारंभ कर रहे हैं। और आज का जो विषय है वो सोयाबीन का जो दूसरी सीरीज है, जिसमें हमने आज जो है जो भी पेस्ट लगते हैं यानी कि डिजीज हैं और पेस्ट हैं, उन सब की डिटेल में जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी बीमारी की क्या बारीकियां हैं, उनको कैसे हम उस समस्या को हल कर सकते हैं। और हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर श्री पवन अमृते जी, वो वैज्ञानिक हैं पादप रोग विभाग से, आईसीआर के जो एक परियोजना है अखिल भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परियोजना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो सर को जो है बहुत अच्छी नॉलेज है और बहुत लंबा काम किया है सर ने, तो आज उनसे जानेंगे। मैं बलराम संदेश की जो प्रोफाइल है और हम लोग कैसे काम करते हैं इसके विषय में जानने के लिए मैं अपने गुरुजी श्री प्रणय व्यास सर को आमंत्रित करता हूँ। प्रणय व्यास सर भूतपूर्व बीज प्रमाणीकरण अधिकारी रह चुके हैं और सर को बीजों का बहुत अच्छा ज्ञान है। हम इनके सुपरविजन में बलराम संदेश टीम काम करती है। तो मैं सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और बलराम संदेश का परिचय देने की कृपा करें। जी सर, प्लीज कम। हाँ, धन्यवाद शिव सर। सबसे पहले तो टीम बलराम को बहुत बहुत बधाई। आज 50 के बाद में 51वां हम वेबिनार किसानों के लिए आयोजित कर रहे हैं। बलराम संदेश की स्थापना 2015 में डॉक्टर देवेंद्र प्यासी, जो कि एक अलसी अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सागर क्षेत्रीय जो अनुसंधान केंद्र है उसमें वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की समस्या को दूर करना, किसानों से लगातार संवाद करना और किसानों तक जो है नवीनतम तकनीकी जानकारी और अनुसंधान की जानकारी जो है वो तो किसानों तक पहुंचाना। इस उद्देश्य से टीम बलराम का गठन किया गया और इसमें 5 राज्यों के 11 सदस्य हैं जो कि इस पूरे टीम बलराम की सारी एक्टिविटी को संचालित करते हैं। टीम बलराम ने इस कोविड पीरियड में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए किसानों को अलग अलग तरीके से, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से हमने 7 ग्रुप बनाए। इस 7 ग्रुप में जो है करीब करीब जो हमारे 1,500 से भी अधिक किसान जुड़े हुए हैं, जो अपने प्रतिदिन जो भी उनको समस्या आती है वो हमसे साझा करते हैं और हम उसका समाधान तत्काल करने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से फेसबुक पे बलराम संदेश के नाम से एक इसके बाद पेज हमने खोल रखा थोड़ा है सा हो जाइए और चालू। ये जो है किसानों को लगातार इसी तरीके से समस्या दूर करने में सहायक
होता जा रहा है। इसी तरीके से यूट्यूब पर बलराम संदेश जो है, जितने भी वेबिनार हम आयोजित करते हैं उसका जो है अपलोडिंग हम यूट्यूब पर भी करते हैं। टीम बलराम के सतत प्रयास और परिश्रम से उसका ये प्रतिफल निकला है कि आज 11 राज्यों के किसान हमसे जुड़े हुए हैं और इस सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हमसे संपर्क में है और उनको जो भी कुछ समस्या आती है उसका निदान हमसे पाने की और हम उनका निदान करने लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। टीम बलराम जो है एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है जिसमें किसी भी तरह का किसी भी किसान से या किसी भी अन्य संबंधितों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। टीम बलराम से न केवल किसान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में सैकड़ों अध्ययनरत विद्यार्थी जो कि शोध कार्य से या पढ़ाई से जुड़े हुए हैं वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। कई वैज्ञानिक हमारे इस ग्रुप में हमारी मदद कर रहे हैं। हम सभी का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन्यवाद और साधुवाद करना चाहते हैं। आज के इस वेबिनार में श्री पवन अमृते जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वैज्ञानिकों का जो आज हमारे वेबिनार से जुड़े हुए हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ में आज जितने भी किसान हमारे साथ में जुड़े हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब वेबिनार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे मेंटर हैं और जिनके सुपरविजन में हम सब लोग काम करते हैं, डॉक्टर श्री देवेंद्र प्यासी जी सर वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं अलसी को लेकर के, और सर जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय सागर में पोस्टेड हैं, और मैं सर से निवेदन करता हूं कि वो जो आज हमारे मुख्य वक्ता हैं उनका परिचय दे करके वेबिनार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जी सर प्लीज कम सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद शिव सर। बलराम संदेश के लिए गौरव की बात है कि आज हम जो है 50 से आगे बढ़े हैं और हमारा 91 जो है वेबिनार हम शुरू कर रहे हैं। आज के हमारे जो वक्ता हैं श्री पवन अमृते साहब, ये वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के मेन कैंपस में संचालित है, उसमें वैज्ञानिक के रूप में पौधरोप वैज्ञानिक के रूप में जो है पदस्थ हैं। इस पूरी 4 महीने की श्रृंखला में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। रबी की पूरी फसलें सीखी, जायद की फसलें सीखी और अब खरीफ की फसलों की शुरुआत की है, जिसमें धान में हमने 6 वेबिनार आयोजित किए हैं। धान के बाद जो है स्मॉल मिलेट जो हमारी लघु धान्य फसलें हैं उसमें 2 वेबिनार और अब सोयाबीन में ये दूसरा वेबिनार है। मैं सभी जो हमारे स्पीकर हैं सभी को साधुवाद करता हूं, सभी का धन्यवाद करता हूं, और आज के हमारे जो स्पीकर हैं उनका मैं परिचय देता हूं। जैसा मैंने बताया पवन अमृते जी जो है वैज्ञानिक हैं और जो है अलसी अनुसंधान ये सोयाबीन अनुसंधान परियोजना में सतत रूप से जो है संलग्न है। नई प्रजातियों का विकास और नई रोगरोधी किस्मों का निर्माण ही इनका जो है मुख्य ऑब्जेक्टिव है। पवन जी ने अभी हाल ही में अपनी PhD सबमिट की है, शीघ्र इनका वाइवा भी होने वाला है। साथ ही साथ नए जो हमारे युवा छात्र छात्राएं हैं उनको जो है मास्टर डिग्री और उनकी PhD डिग्री में अनुसंधान जो कर रहे हैं तो उनके मेजर एडवाइजर के रूप में भी आप काम कर रहे हैं। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में जर्नल्स में आपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया है, तो एक कम समय में बहुत अच्छी उपलब्धि श्री पवन अमृते साहब ने अर्जित की है।
मैं पवन जी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो छात्रों के हित में, किसानों के हित में निरंतर अनुसंधान करते रहेंगे और प्रदेश की इस महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से जो है सोयाबीन फसल की नई कीट व्याध रोगरोधी प्रजातियों का जो है निर्माण करते रहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पवन अमृते साहब को कि वो आए और किसानों के हित में आज का जो है अपना प्रेजेंटेशन दें, जिससे मैं उम्मीद करता हूं एक्चुअली जितना नुकसान, जितना हम उपज बढ़ाने की कोशिश करते हैं नई प्रजातियों का विकास करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, अनुसंधान प्रजातियों के विकास में ज्यादा सजग है, लेकिन प्रजाति जो है रोगरोधी किस्मों का जो सतत जो भी प्रजातियां अभी अनुशंसित हो रही है, नोटिफाइड हो रही हैं, वो सभी रोगरोधी हैं, लेकिन यदि हम पौधे में प्रतिरोधकता का विकास कर दें, उसमें खुद में इनबिल्ट रेजिस्टेंस अगर तैयार कर दें जीन पिरामिडिन के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो हमारी क्रॉसिंग हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से, तो निश्चित रूप से जो हमारी किस्में होंगी वो रोग के प्रति प्रतिरोधी होंगी और आगे जो रोग में के कारण जो बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा है, उन सब चीजों पे भी प्रकाश डालेंगे कि समन्वित तरीके से हम कैसे जो है अपने बीमारियों के प्रति, अपने कीड़ों के प्रति जो है सहजता और सजगता को बनाए रखते हुए हम कैसे उनकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, जिससे कम से कम खर्चे में, कम से कम कीटनाशक के उपयोग में हम कैसे जो है अपनी सोयाबीन की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री पवन अमृते साहब को, आपका स्वागत है सर। सर मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे आपने बलराम संदेश के बारे में जो भी मैंने यहां पे सुना उससे मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता, अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं एक कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ, बचपन से ही मेरे घर पे खेती बाड़ी मैंने देखी है और अभी भी मैं छिंदवाड़ा जब जाता हूँ, छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ और हम घर पे एकदम डाइवर्सिटी फाइट खेती करते हैं, मतलब चाहे रबी हो खरीफ हो, हमारे यहाँ कम से कम 10-12 फसलें, वेजिटेबल्स भी लेते हैं, हॉर्टिकल्चर के प्लांट भी लेते हैं और ये सोयाबीन गेहूँ हर प्रकार की फसलें घर पे उगाते हैं। तो बचपन से ही मुझे खेती का बड़ा, जब मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में नहीं आया था उसके पहले ही मुझे बहुत सारी ऐसी किसान जो लोग करते हैं खेती जो करते थे वो मुझे था सारा आइडिया, तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं खेती की पढ़ाई पढ़ूं। तो उसी तातम में मैंने कृषि महाविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया और आगे की पढ़ाई के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने पौध रोग विषय में अपनी MSc की और अभी वर्तमान में मैं सोयाबीन अनुसंधान परियोजना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में पौध रोग वैज्ञानिक हूँ और इसके पहले मैं गन्ना अनुसंधान परियोजना में भी काम कर चुका हूँ। तो फिलहाल अभी 3 सालों से 4 सालों से मैं सोयाबीन अनुसंधान परियोजना में पादप रोग वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आज का जो विषय है वो है सोयाबीन की फसल में कीड़ों से और बीमारियों से कैसे बचा जाए, मतलब सोयाबीन की खेती में पादप सुरक्षा कैसे की जाए। सबसे पहले मैं तो थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि सोयाबीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों। सोयाबीन अभी वन ऑफ दी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कमोडिटी जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ खासियत है जो दूसरी चीजों में नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो प्रोटीन है 40% या 40% से प्लस प्रोटीन होता है इसमें, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और इसका 40 मतलब इसकी न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है वो उसकी वजह से इसको इतना इम्पोर्टेंट बनाती है। और दूसरी बात है, अभी वर्ल्ड लेवल पे देखें तो मतलब वर्ल्ड लेवल पे अगर सोयाबीन की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उनमें से विद इन 5 क्रॉप्स में सोयाबीन संबंध रखता है। और इंडिया में अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरीका के बाद ब्राज़ील के बाद अर्जेंटीना, चाइना और उसके बाद फिर हम लोग का नंबर आता है इंडिया का। तो हम इंडिया जो है 5वें नंबर पे सोयाबीन प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे वर्ल्ड में।
उसके बाद अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में भी सोयाबीन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, पर जितनी हमारी कंजप्शन है उसकी कम ही, क्योंकि हम बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए सोयाबीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अपना ऑयल का जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट है वो उसको डाउन करना है, और साथ साथ में जो हमारी नेबरिंग कंट्री है जैसे चाइना जापान, वो सारा का सारा जो सोयाबीन है वो यूएसए से ब्राजील से मतलब बहुत दूर से वो इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि इनकी जो मेजर कंजप्शन है वो सोयाबीन की मेजर कंजप्शन है चाइना और जापान में। अगर हम अपना सोयाबीन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हम अपनी जरूरतों को फुलफिल कर सकते हैं, साथ साथ में हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं कंट्री के लिए, फार्मर्स के लिए, तो हम हमारे पास एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी होगी कि हम अपना सोयाबीन प्रोडक्शन बढ़ाएं और चाइना और जापान जैसी कंट्री को एक्सपोर्ट करें। तो हम अभी ऑलरेडी काफी सोयाबीन प्रोड्यूस करते हैं, पर प्रोडक्टिविटी जो है दूसरी कंट्री जो ब्राजील है, अर्जेंटीना है, वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टर 30 क्विंटल 35 क्विंटल के समथिंग को सोयाबीन प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वर्तमान में वो आपका 11 क्विंटल 12 क्विंटल या 10 क्विंटल के समथिंग हमारी प्रोडक्टिविटी है। इसका कारण यह भी है कि वैरायटी तो हमारे पास है, और लेकिन जो हम सोयाबीन का कल्टीवेशन करते हैं हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, मतलब हम सोयाबीन 90 से 95 दिन 100 दिन की सोयाबीन की खेती करते हैं, लेकिन जो दूसरी कंट्री है वो मोनोक्रॉपिंग करते हैं, वो सीधे सीधे सोयाबीन की 130 दिन की 135 दिन की 140 दिन की वैरायटी लगाते हैं। जैसे जैसे ये वैरायटी का एरिया ड्यूरेशन बढ़ते जाता है उसकी पैदावार बढ़ते जाती है। तो हम अगर बात करें कि पर डे प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया फिर भी आगे है कि हम पर डे के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उस हिसाब से हम 90-95 दिन में जो हमारी प्रोडक्टिविटी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट फिर भी विगत सालों में खासतौर पे 2012 में सोयाबीन का मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद से सोयाबीन का प्रोडक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, लेकिन मतलब उसके बाद से नहीं बढ़ा, जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन आया उसके बाद से नहीं बढ़ा। तो 2012 के बाद से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सोयाबीन की फार्मिंग में आनी शुरू हुई हैं, उसमें खासतौर पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो है आपकी मौसम की विविधता, जिसे अपन क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी कहते हैं, कहीं एकदम ड्राई स्पेल आ जाएगा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस में पानी गिर जाना, फिर जब आप हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं तो उस समय आपकी फसल खेत में खड़ी है उस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, तो फसल इस तरह से बर्बाद हो जाना। साथ साथ में ये क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी मौसम की विविधता से और ड्रॉट से मतलब सूखा रिलेटेड समस्या, उसके अलावा भी सोयाबीन में विगत सालों में विगत 8-10 सालों में कीड़ों की और बीमारियों की जो आक्रामकता है वो बढ़ी है, खासतौर पर बीमारियों की, क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से देखता हूँ कुछ बीमारी जो हम पढ़ते थे मतलब उसमें, और बस वो अब इस तरह से कभी कभी फार्मर्स को हार्म कर रही है, इस तरह से नुकसान पहुंचा रही है कि उसका पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा एरिया जो है इस पर्टिकुलर बीमारी से बीमारियों से संक्रमित होकर पूरी की पूरी खेती चौपड़ हो जाती है। तो विगत 2-3-4 सालों में मैंने अपने खेत अपने घर के खेत में भी अनुभव किया है कि कुछ बीमारियाँ जो हैं बहुत तीव्रता से आ रही हैं और हम उसका निदान नहीं कर उसका कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मैं खासतौर पर इस टॉक में जो परिचर्चा है इसमें मैं बीमारी और इंसेक्ट का किस तरह से पहचान किया जाए, क्या कौन कौन सी बीमारी और इंसेक्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उनका किस तरह से नियंत्रण किया जाए, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, उस सब के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन का कल्टिवेशन होता है वो मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, ऐसे कि ऐसे 3-4 स्टेट है जहाँ पे सोयाबीन जो है लगभग पूरे इंडिया का लगभग 90-95% सोयाबीन जो है वो यहीं से पैदावार आती है। तो खासतौर पे सबसे इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा 15-20 सालों से लगभग 50%, 60%, 70% से ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता रहा है, एरिया भी बहुत ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन सोयाबीन का प्रोडक्शन अभी मध्य प्रदेश में भी नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसके कुछ रीज़न हैं। तो मैं शुरू करूंगा, नेक्स्ट करेंगे हेलो या तो मैं शुरुआत करूंगा बीमारियों से, क्योंकि बीमारियों का बहुत ज़्यादा जो है वो प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे बीमारियाँ जो है पूरे सोयाबीन की अगर बात करें इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो पूरी सोयाबीन की क्रॉप जो है वो लगभग मोर देन 100 डिफरेंट प्रकार के जो पैथोजन है, मतलब 100 आप ये कह सकते हैं कि 50 से ज़्यादा डिजीज और लगभग आप कहें 50 से 100 के बीच में बीमारियां सोयाबीन में आती हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें जिसमें चाइना भी हो सकता है, अर्जेंटीना भी हो सकता है, यूएसए भी हो सकता है, तो हर एक जो कंट्री है
वो बीमारियों से, सोयाबीन की बीमारियों से प्रभावित है, उनका जो उत्पादन है। अगर यूएस का डेटा हम उठा के देखें तो बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशन मिलती है जहाँ पे यील्ड लॉस एस्टिमेशन उन्होंने किया हुआ, तो बहुत सारा रेवेन्यू उनका मतलब डिजीज की वजह से, बहुत सारी डिजीजें ऐसी जो मतलब कुछ एरिया को बिल्कुल डिवास्टेट कर देगी, खत्म कर देगी। तो अपने जैसे इंडिया में प्रॉब्लम है, वैसे ही सोयाबीन में, यूएसए में, ब्राजील में, दूसरी कंट्री में भी बीमारियों की प्रॉब्लम है। तो अगर इंडिया लेवल पर बात करें तो इंडिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज है जो ट्रेट मानी जाती है, रस्ट डिजीज। रस्ट डिजीज ये इसलिए थ्रेट है क्योंकि इसका जो संक्रमण है बहुत तेजी से फैलता है, ये बहुत तेजी से फैल सकती है, ये एयरबॉर्न, ठीक है, हवा के माध्यम से इसके जो बच्ची है, इसके जो फंगस है वो फैलती है और बहुत तेजी से इसका संक्रमण होता है। और पर ये इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ इन्फेक्शन है वो लिमिटेड है, मतलब ये हमारे मध्य प्रदेश में या इधर के जो नॉर्थन पार्ट है उस तरफ में नहीं आता। इसका जो इन्फेक्शन का एरिया है वो आपका सदर्न पार्ट है, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र सदर्न महाराष्ट्र जिसे कहते हैं, जिसमें सांगली और उगरखुर्द वाला एरिया आता है। तो ये जो चार पांच जिले हैं वहीं पे हर एक साल इसकी सीवियरिटी रिपोर्ट होती है, कभी कम आता है कभी जाता है, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा आगे। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डिजीज है जिसमें कॉलर रॉट है, चारकोल रॉट, चारकोल रॉट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, चारकोल रॉट मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा, दो तीन साल से इसकी सीवियरिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये चारकोल रॉट डिजीज जो है वो माइक्रोफोमिना फेजिनेना फंगस से होती है, और इसका जो एक्चुअली इन्फेक्शन का टाइम होता है वो अर्ली इसकी इन्फेक्शन हो जाती है, जल्दी इसकी इन्फेक्शन हो जाती है। लेकिन जो सिम्टम्स आते हैं, जब फली बननी शुरू हो जाती है, जब फ्लॉपिंग आनी शुरू हो जाती है, फ्लॉपिंग से फली बननी शुरू हो जाती है, फली पकनी शुरू हो जाती है, तब जाके इसके अंदर पौधों, इसके सोयाबीन के पौधों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं और पौधे एकदम से सूखने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार से बहुत खतरनाक बीमारी है सोयाबीन के लिए। इसके बाद अभी वर्तमान में राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट जिसे अपन कहते हैं परमी झुलसन बीमारी, इसका भी प्रकोप बहुत सारे एरिया में बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। उसके बाद एंथ्रेक्नोज, जिसे हम एंथ्रेक्नोज और फली झुलसन जिसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स बीमारी है जो पोलिस्टोटाइकम डेमिटम फंगस से फैलती है। ये सीड बॉर्न डिजीज है और ये शुरू से ऑल स्टेज में इसकी रिपोर्टिंग है, मतलब सारी की सारी स्टेज आपकी, जैसे सीड बॉर्न है तो आपका 15 दिन का प्लांट हुआ, 20 दिन का प्लांट हुआ, उसके बाद से लेके फली बनने के बाद और फली पकने तक इसकी संक्रमण होते रहती है, और वही जो सीड बाद में बनता है वही संक्रमित हो जाता है, फिर हम उसकी ट्रेन करते हैं। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है और ये कभी कभी अगर वातावरण अनुकूलित रहा तो बहुत तीव्रता से पौधों को खत्म करने में सक्षम है। के बाद बहुत सारे लीफ स्पॉट्स हैं जिसमें माइक्रोटिशियम लीफ स्पॉट की बात करते हैं, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट की बात करते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज, नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज, नेक्स्ट, या इसके बाद अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट की बात, और जो एक ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज आती है, टारगेट लीफ स्पॉट डिजीज आती है, फिर पर्पल सीड स्टेन, ये जो है पर्पल सीड स्टेन, अभी लास्ट ईयर बारिश बहुत ज्यादा हुई मध्य प्रदेश में और पहले भी बारिश हुई, क्योंकि बारिश जब बहुत ज्यादा होती है वातावरण बहुत अनुकूलित होता है, तो पर्पल सीड स्टेन मतलब जो आपका सीड बन रहा है उसका पर्पल कलर का सीड बन जाएगा, वो पर्पल सीड स्टेन ही होता है, उसमें भी उसकी क्वालिटी रिड्यूस होती है, उसके प्रोटीन ऑयल प्रोटीन, सोयाबीन का जो ऑयल प्रोटीन कंटेंट है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद फ्रॉग आई लीफ स्पॉट डिजीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है वर्ल्ड लेवल पे, वो अपने इंडिया में भी कुछ कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है, मध्य प्रदेश में भी इसका संक्रमण पिछले 2 सालों में देखा गया। टारगेट लीफ स्पॉट डिजीज आती है, सीडलिंग ब्लाइट डिजीज आती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरस डिजीज है, उसका नाम है पीला मोजेक, जिसे अपन येलो मोजेक कहते हैं, पीला मोजेक, जो मूंग बीन येलो मोजेक वायरस वायरस होता है उससे फैलती है, और वो मूंग बीन येलो मोजेक वायरस के और दूसरे भी होते हैं, वो मूंग में भी वो वायरस आता है, उर्द में भी वायरस आता है, तो इस तरह से और दूसरे बहुत सारे वीड्स हैं उसमें भी वो वायरस का जो इस तरह से फैलते रहता है, तो उसका साल भर इनाकुलम जो है वायरस का जो लोड है वो बना रहता है, जब भी हम सोजन लगाते हैं तो वायरस में वायरस का अटैक उसमें हो जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, विगत 2015 में इसने मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अभी भी लास्ट ईयर भी कुछ एरिया में बहुत ऐसी रिपोर्टिंग आई न्यूज में कि पीला मोजेक आ गया, पीला मोजेक आ गया, कुछ किसानों ने खेत जोड़ दिया, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसके बाद सोयाबीन मोजेक वायरस डिजीज है, ये भी रेगुलर आते रहती है कुछ ना कुछ इंटेंसिटी में। फिर बैक्टीरिया पस्टूल डिजीज है, ये भी फ्रिक्वेंटली आते रहती है। तो ये यहाँ पे जो पीपीटी मैंने बनाई है इसमें ऑलरेडी कब कौन सी डिजीज है, कौन सी स्टेज पे आती है, क्या उसके कॉजल कारक फंगस हैं, वो सारी चीजें मैंने इसको मेंशन की है, आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज, नेक्स्ट प्लीज,
तो मैं अब एक एक करके कुछ जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं वर्णन करना चाहूंगा कि क्या उसकी पहचान कैसे आप करोगे, कैसे उसकी पहचान के लक्षण क्या होते हैं। और यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जो फोटोग्राफ्स मैंने अपने से खींची हुई है विगत 3-4 सालों में, मतलब जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी वो फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे पुटअप की हुई है। तो ये जो कॉलर रॉट है, कॉलर रॉट जिसे कहते हैं कॉलर सरन, मतलब ये सबसे पहले जब हम सोइंग के बीच की सोइंग करते हैं तो कुछ तो हमारी प्री इमर्जेंस रॉटिंग हो जाती है, मतलब जर्मिनेशन के पहले ही कुछ सीड आपका खेत में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ जर्मिनेशन के ड्यूरेशन में कुछ जर्मिनेशन जब हो रहा होता है तो उस समय कुछ फंगस जैसे कि राइजोथोनिया हो सकती है, टिकियम हो सकती है, फाइटोफ्लोरा हो सकती है, फ्यूजेरियम फंगस होती है, तो ये कुछ ऐसी फंगस होती है जिनकी इन्फेक्शन होती है, कुछ वहाँ पे भी पोस्ट इमर्जेंस रॉटिंग होने की वजह। उसके बाद जो पहली डिजीज अगर हम देखें तो पहली जो लक्षण जिसे हम पहचान पाए तो वो पहली डिजीज हमें मुझे विगत सालों में मैंने अनुभव किया कि पहली डिजीज हमको 10-15-20 दिनों में देखने को मिलती है वो कॉलर रॉट होती है सबसे पहले। तो ये जो लेफ्ट साइड में पिक है वहाँ पे आप देख रहे हैं एक पौधा सूखता हुआ, ये पौधा एक्चुअली सूखा हुआ है कॉलर रॉट की वजह से। तो जब हम खेत में सोइंग करते हैं तो मान के चलो हमारी 70% 80% जर्मिनेशन हुआ और उसी में अगर 10% कॉलर रॉट आ गया तो हमारे कितने सारे प्लांट का नुकसान हो जाएगा। मान के चलो 1 एकड़ में 3.5-4 लाख पौधे का मेंटेनेंस हमें करना है, अगर उसमें 5% 10% भी अगर कॉलर रॉट आ गया तो आपके तो 5% 10% के हिसाब से 20-30 हज़ार पौधे तो वहीं खत्म हो जाएंगे, 30 हज़ार पौधे तो वहीं खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये शुरू में ही अर्ली मॉर्टलिटी होती है। इसकी पहचानने के लक्षण ये है, इसके पहचानने का लक्षण ये है कि यहाँ पे हम जो इसकी जमीन से जुड़ा वाला भाग है, मतलब पौधों का शुरू में पौधे जो है हल्के पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, मुरझाने शुरू हो जाएंगे, और जो आपकी कॉलर वाला रीजन है जहाँ पे स्तंभ मूल संधि कहते हैं, जहाँ से जमीन और तना आपस में जुड़ा होता है, जमीन से तना जुड़ा होता है, वहाँ पे फंगस की इन्फेक्शन होती है। और वहाँ का जो फंगस की इन्फेक्शन होने की वजह से जो वो भाग है कॉलर रीजन का वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे सड़न शुरू हो जाती है, रॉटिंग शुरू हो जाती है, और रॉटिंग शुरू होने के साथ साथ वो भाग जो कमजोर हो जाता है वो कमजोर होकर टूटना शुरू हो जाता है, पौधे आपके गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ये कैसे पहचानेंगे, कैसे तो पहचानने के लिए जहाँ पे ये इन्फेक्शन हो रही है वहाँ पे आपको फंगस की सफेद ग्रोथ नजर आएगी, सफेद कवक जाल जैसे कहते हैं ना, गदा पर फफूंद का सफेद कवक जाल दिखाई देता है जिसमें बहुत सारी छोटी गोल भूरे रंग की सरसों के बीज के समान संरचनाएं निर्मित होती हैं। मतलब जो नीचे का कॉलर रीजन है वहां पे सफेद कवक जाल दिखाई देगा आपका फंगस का, तो आप समझ जाइए ये कॉलर रॉट बीमारी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। इस फोटोग्राफ में नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज, इस फोटोग्राफ में और भी क्लियर है, ये मतलब बीमारी से संक्रमित होने के बाद जो पौधे हैं वो उखाड़ के फोटोग्राफ्स ली गई है। तो ये फोटोग्राफ में यहाँ पे तीन पौधों में आपको सफेद कवक जाल सा दिखता होगा, और जो राइट साइड में फोटोग्राफ्स हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि मस्टर्ड के दाने की तरह, मतलब सरसों का जब दाना होता है वैसे इसकी फंगस का जो स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन हो रहा है, स्क्लेरोशिया बन रहे हैं, और ये स्क्लेरोशिया होते हैं ये जमीन में पड़े रहते हैं। अगले साल जब आप कोई भी लगाओगे तो और कोई दूसरी फसल लगाओगे कि इसका जो संक्रमण है चने में भी होता है और दूसरी फसलों में भी होता है, बहुत सारे इसके होस्ट हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इसका एनाफलम जमीन में बना रहता है, ये जो स्क्लेरोशिया बना रहा है ना, छोटे छोटे स्क्लेरोशिया बना रहा है, ये जमीन में पड़े रहेंगे, स्टाइल फंगस है, मतलब अभी तुरंत में इन्फेक्शन नहीं करेगी, धीरे धीरे ये अगले सीजन में या उसके बाद के सीजन में ये इन्फेक्शन करेगी दूसरी। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल यहाँ पे चलते रहता है। और इसके लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति है कि जब मौसम आपका बहुत ज्यादा गर्म है, मतलब बारिश नहीं हो रही हो, हल्की फुल्की बारिश होती है और मौसम एकदम गर्म है, जैसे अगर 30-35 डिग्री सोइंग के समय अगर अपने 35-40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा हो तो उस समय, और आपकी पॉपुलेशन अगर डेंस है और आपने सड़ी हुई गोबर खाद का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया है, मतलब अगर गोबर की खाद आपकी सड़ी नहीं है, अधिक लदता नहीं है जमीन में, तो ये सब ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये डिजीज जो है एकदम तेजी से फैलती है और बहुत सारे पौधे जो हैं आपके यहाँ पे मर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू में ये बीमारी आती है, इसके लिए नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज नेक्स्ट। हाँ, इसके लिए हम कोई, अब ये जो सॉइल बॉर्न डिजीज है, मतलब मृदा जनित बीमारी है, तो जितनी भी मैं बात करूंगा जहां भी मृदा जनित बीमारी है, सोयाबीन की बात नहीं करो, दूसरी भी अगर कोई बीमारी की बात करें, मृदा जनित बीमारियों की बात करेंगे, तो मृदा जनित बीमारियों का कोई भी ऐसा
नियंत्रण नहीं है कि अगर बीमारी आ रही है और आपने फंजीसाइड डाल दिया, कोई दवाई डाल दी और वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमको समन्वित प्रबंधन करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें खासतौर पर जब आप स्विंग करते हैं तो इसमें कार्बोक्सिन प्लस सीरम का जो एक बीटावैक्स पावर के नाम से और भी पायराफ्लोस्टोबिन एक और दो केमिकल और रिकमेंडेड है, जिसमें आपके पेंटूफेन प्लस एक पेंटूफेन प्लस ट्राइक्लोक्सीस्टोबिन का कॉम्बिनेशन आता है और एक आपका आता है पायराक्लोस्टोबिन प्लस थायोफेनेट मिथाइल। तो ये तीन चार केमिकल्स जो हैं, तीन केमिकल्स अभी रिसेंटली अच्छे केमिकल्स है, कॉम्बिनेशन वाले केमिकल्स हैं फंगीसाइड, इनसे आप सी ट्रीटमेंट करके अवश्य बोलेगा। ये आपकी बीज उपचार आप करेंगे तो आपको जरूर निश्चित रूप से कुछ फर्क आपको पड़ेगा कि जो जहाँ पे आपने बीज उपचार नहीं किया गया, अगर वही वैरायटी की बात करें तो वहां पे इस फंगस का अटैक आपको ज्यादा मिलेगा, और जहाँ पे बीज उपचार आपने किया है वहां पे आपको इस फंगस का अटैक कम मिलेगा और आपकी पौध संख्या जो है पर्याप्त बनी रहेगी। खासतौर पर जो अब दूसरा इम्पोर्टेंट ये कि बुआई के लिए अपने को रोग प्रतिरोधक और सहनशील जातियां, खासकर सहनशील और रोग प्रतिरोधक की बात करें तो जो नई किस्में होती हैं, जो नई किस्में ईजाद हो रही हैं नए नए सेंटर और जो जिस क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं, उसी जातियों का हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। फसल चक्र, उचित फसल चक्र अवश्य अपनाना है, क्योंकि इसके बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर हम सोयाबीन के बाद चना लेते हैं, चने के बाद सोयाबीन लेते हैं, तो ये कॉलर रॉट बीमारी जो है वो चने में भी आती है। तो इस तरह से जो हमारी जमीन है ना वो कमजोर होती जाती है, हमारी जमीन में पैथोजन का जो लोड है, फंगस का लोड है, वो बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और फिर हम इस तरह की बीमारियों का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये चीज ध्यान, जमीन में हमें और कार्बनिक पदार्थ का अधिक से अधिक उपयोग करना, मतलब FYM फार्म यार्ड मैन्यूअल्स और जो गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, केचुआ खाद है, मतलब जमीन की हेल्थ, जमीन की हेल्थ, जमीन की जो सेहत है, वो जमीन की सेहत कहाँ से बनती है, वो जमीन की सेहत बनती है उसका कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ अगर जमीन में ज्यादा है तो ये मान के चलिए कि जमीन में बहुत सारे जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, लाभदायक आपकी फंगस है, जैसे ट्राइकोडर्मा है, सोडोमोनास क्लोरोसिस माइक्रोब्स जो है और भी बैसिलस है, तो ये बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जैसे हम ट्राइकोडर्मा भी डालते हैं तो ट्राइकोडर्मा डालने के समय हम ये रिकमेंड करते हैं कि ट्राइकोडर्मा के साथ साथ आपको गोबर की खाद मिलानी चाहिए। गोबर की खाद अगर जमीन में ज्यादा डालोगे तो ट्राइकोडर्मा का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा। तो इस तरह से जमीन की सेहत बरकरार रखने के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक पदार्थों का जमीन में इस्तेमाल करना चाहिए और खाद वगैरह जो संतुलित है उसका उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से कॉलर रॉट का हम प्रबंधन कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्प्रे वगैरह कुछ रिकमेंडेड नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बीमारी है अपनी, दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी है सोयाबीन बोने की, सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज किया गया कि ये जो बीमारी है ये सीड बॉर्न है, मतलब बीज बीज से फैलती है और विषाणु जनित बीमारी है, बीज से फैलती है और इसका जो फैलाने वाला कारक है वो एफिड होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि जनरली बहुत सारे पौधे इस तरह से हमको मिलते हैं संक्रमित, जो पत्तियों में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे पत्तियां जो है वो गहरे हरे रंग की हो रही हैं, पत्तियां थोड़ी सी थिक हो रही हैं, लेदरी हो रही हैं पत्तियां, और पत्तियां सिकुड़ जाती है, गहरे हरे रंग की हो जाती हैं और पत्तियां आपस नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे पौधों में स्टंटिंग हो जाएगी, पौधा आपका डॉर्फ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये फोटोग्राफ्स में बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये फील्ड है, मान के चलो एक खेत का क्लोजअप व्यू है, जहाँ पे बहुत सारे पौधे, ये आपके लेफ्ट साइड में बहुत सारे पौधे एकदम छोटे हो गए हैं। तो ये पत्तियों में ना कुछ प्लांट में ना सीवियर इन्फेक्शन हो गया है सोयाबीन मोजेक का, इसको ग्रीन मोजेक भी कहते हैं सोयाबीन मोजेक। पीला मोजेक इसके बाद है, पीला मोजेक अलग बीमारी है, उसमें खेत पीला हो जाएगा, पत्तियां पीली पड़ जाती है, लेकिन ये यहाँ पे ग्रीन मोजेक मतलब पत्तियों में हरापन है, पत्तियां आपकी मोटी होते जा रही है, पौधे आपके छोटे होते जा रहे हैं, पत्तियां नीचे की तरफ आपकी मुड़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से पौधे का जो, अगर पौधा बहुत ज्यादा संक्रमित हो जाता है तो जो इसका बीज बनेगा वो भी संक्रमित बनेगा, तो अगले साल जब हम बोएंगे तो वो फिर से इस तरह से पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से पौधों का हमें खासतौर पे इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे अब ये वायरस डिजीज है, तो वायरस के बारे में हम जानते हैं कि कोई यहाँ पे इंसेक्टिसाइड वो फंगीसाइड वगैरह का हम स्प्रे नहीं कर सकते, तो एफिड, एफिड इसका फैलाने वाला कारक। तो एफिड जो है बहुत ज्यादा संख्या में सोयाबीन में नहीं आता, कहीं कहीं रिपोर्ट होता है बहुत थोड़ी, तो स्प्रे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप
खासतौर पर ध्यान रखें कि जो आपके खेत में अगर इस तरह से पौधे मिल रहे हैं तो इनको आप इमीजिएटली खेत से उखाड़ के फेंकें ताकि दूसरे पौधों में संक्रमण ना हो। जो पौधे में इस तरह के पौधे में जो फलियां बनती है उनसे बीज ना लें। बीज आपका स्वस्थ होना चाहिए, मतलब अगले साल जो आप बीज बोओगे वो संक्रमण रहित होना चाहिए। खेत में अच्छे से साफ सफाई रखें क्योंकि खरपतवार वगैरह होते हैं, पॉपुलेशन अगर सोयाबीन की पॉपुलेशन ज्यादा बहुत घनी है तो फिर रोग फैलने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। बुआई हेतु अपन जो जिन वैरायटियों में और आपकी जिन जातियों में इस तरह से सिम्टम्स नहीं है और जिस संक्रमण ज्यादा नहीं होता उन जातियों को हमें चयन करना है ना, तो इस तरह से हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। खासतौर पर ध्यान रखें कि इस तरह के पौधों को खेत में ना पनपने दें, ना उनको आखिरी तक नहीं रहने दें। अगर 2-4-5% का इन्फेक्शन लग रहे हैं तो तुरंत उखाड़ के इसको फेंक दें। बाकी अगर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहते हैं जो सिस्टमिक प्रवृत्ति के जो इंसेक्टिसाइड हैं उनका हम यहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये अब सबसे इम्पोर्टेंट जो डिजीज है वो है पीला मोजेक और रस डिजीज घेरुआ रोग। ये दो सोयाबीन के लिए थ्रेट मानी जाती है। बाकी ये थ्रेट है पीला मोजेक जो है, अगर पीला मोजेक क्या होता है कि एक जिले में आया दूसरे जिले में, एक खेत से दूसरे खेत में और एक एरिया में पूरा का पूरा ही विद इन बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत थोड़े समय में बहुत जल्दी से ये फैल जाता है। तो इसका जो प्रकोप है पीला मोजेक का वो 20 से 25 दिन की फसल में शुरू हो जाता है और आखिरी तक हम इसका प्रकोप देख सकते हैं। लेकिन अगर जितनी जल्दी इसका प्रकोप शुरू हो जाएगा उतनी ज्यादा इसके फैलने के चांसेस होंगे। अगर लेट अगर इन्फेक्शन हो रही है, मान के चलो एक महीने दो महीने बाद कहीं 2-4 पौधे संक्रमित है, तो उसके बाद अगर 1.5-2 महीने की आपकी फसल हो गई तो पीला मोजेक से फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत थोड़ा नुकसान होगा, बहुत ऊपर की पत्तियां आपकी संक्रमित होगी। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर इन्फेक्शन हो गई और तो एक जो पत्तियां आपकी पीली हैं ऊपर की जो पत्तियां आएंगी वो भी पीली आनी शुरू हो जाएंगी ना, फोटोग्राफ्स में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस तरह से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें पूरे रोग पौधे की नई पत्तियों पर अनियमित चमकीले धब्बों के रूप में प्रकट होता है। पत्तियों पर पीला क्षेत्र बिखरा हुआ अथवा मुख्य सिराओं के साथ पीली पट्टी के रूप में दिखाई देता है, मतलब पत्तियों के ऊपर पूरे के पूरे कंट्रास्ट येलो कलर के आपके कंट्रास्ट पीले रंग के स्पॉट्स धब्बे से बन जाएंगे और कुछ कुछ भाग जो है इसमें ग्रीन भी रहता है, हरा भी रहता है, पूरी की पूरी पत्तियां पीली नहीं होती। अगर पत्तियां पूरी पीली भी हो गई तो जो उसकी सिराएं हैं, जो मुख्य सिराएं हैं और जो बगल वाली सिराएं हैं वो तो हरी रहेंगी। अगर आपने समझ लिया कि पूरी की पूरी पत्ती पीली हो रही तो वो पीला मोजेक के लक्षण नहीं है, पूरी पत्ती इसमें पीली नहीं होगी, इसमें हरापन और पीलापन दोनों मिक्स रहता है और पीलापन जो है वो एकदम चमकीला चटक पीलापन रहता है, तो फोटोग्राफ में बहुत ज्यादा क्लियर है। इसकी तीव्रता जब तापमान वगैरह कम होता है तो इसकी तीव्रता अधिक होती है और इसको जो फैलाने वाला कारक है वो है सफेद मक्खी, जो सोयाबीन की फसल में आपको पूरे इंडिया में मिल जाएगी। सोयाबीन क्या मूंग में मिल जाएगी, दूसरी फसल में टमाटर में मिल जाएगी, ये पेमेसिया टैमिकाई नाम के ये सफेद मक्खी होती है, ये बड़ी कॉमन है, ये खरपतवारों के ऊपर मिलती। तो इसका जो इनोकुलम है मतलब वायरस का जो लोड है वो लगातार आपके वातावरण में बना रहता है। जैसे आप सोयाबीन लगाओगे मूंग लगाओगे कहीं कुछ ना प्लांट कुछ ना पौधे आपके संक्रमित हो ही जाएंगे। यहाँ तक कि हम जब रबी सीजन में मतलब जनवरी फरवरी में सोयाबीन की बुआई करते हैं तो भी उसमें कुछ पौधे आपको संक्रमित मिल जाते हैं, हालांकि आक्रमकता उतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन कुछ पौधों में फिर भी संक्रमण मिल जाता है। तो यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। तो ये इस तरह से एक फील्ड व्यू है कि किस तरह से पहले कुछ आप जब भी येलो मोजेक का प्रकोप आप देखेंगे तो एक या दो पौधों में या बिखरे 2-4-10 पौधों में कहीं कहीं शुरू होगा पीला मोजेक, लेकिन उसके बाद धीरे 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 2-4-10 दिनों में 15 दिनों में वो पूरा का पूरा जो एरिया जहां जहां आपका संक्रमण था उसके आसपास का पूरा पीला होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। और हाँ ओके, देन दिस व्यू अब इसको हम देख सकते हैं कि एक 2015 का फोटोग्राफ है अगस्त मंथ का, ये मैंने खुद खींचा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे खेत हमने नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सारे होशंगाबाद में मैंने फोटोग्राफ ली थी। तो ये देख लीजिए आप कि ये लगभग 1.5 से 2 महीने की क्रॉप है। खासतौर पर अगर फूल आने के पहले संक्रमण हो जाता है तो आप ये मान के चलें कि आपको इस वाले इन पौधों से कुछ भी नहीं मिलने वाला या बहुत थोड़ी फली आपको मिलेगी और कोई ऐसा उत्पादन आपको मतलब सिग्निफिकेंट उत्पादन आपको नहीं मिलेगा और आपको खेत को
बखरना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा सर, है ना। तो ये पीला मोज़ेक का प्रबंधन कैसे किया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसका जो प्रसार होता है वो सफ़ेद मक्खी से होता है ना। कोई फंगिसाइड हम यहाँ पे नहीं डाल सकते इसको नियंत्रण करने के लिए। बहुत सारे किसान भाई लोग क्या करते हैं कि पीला मोज़ेक आ गया, कॉलर रॉट आ गया या और बहुत सारी बीमारियाँ आ गई, अपनी दवाई लेने चले गए, उन्होंने कहा ये हो गया ये हो गया, तो वो क्या करते हैं फंगिसाइड दे देंगे आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट दे देंगे। लेकिन वो सब चीज़ें जो है ना, एक कैटेगरी बनी हुई है कि वायरस डिजीज है तो वहां पे फंजीसाइड काम नहीं करेगा, क्योंकि वायरस तो प्लांट सेल के अंदर है, प्लांट सेल के अंदर वायरस को तो कोई किल कर नहीं सकता। वायरस जो है वो प्लांट सेल का जो आपका न्यूक्लियस है उसका इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसको हम मार नहीं सकते। तो हम यहाँ पे इसका प्रबंधन ही कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज होती है कि इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो सहनशील वैरायटी है या जो आपकी रेजिस्टेंट वैरायटी है, रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, उन्हीं वैरायटियों का चयन करें। तो वर्तमान में पहले जो 335 JS335 और JS90305 और अपनी JS9567905 और 335 ये वैरायटी जिन्होंने सोयाबीन में बहुत ज़्यादा किसानों को प्रभावित किया है उत्पादन से और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, तो ये वैरायटी अभी वर्तमान में क्या हो गई है, ये सहिष्णु हो गई है, इनमें बहुत ज़्यादा पीला मोज़ेक का अटैक होता है। लेकिन जो अभी हमारे पास वर्तमान वैरायटी है इसमें है, उनमें आप ले सकते हैं JS2098, JS2029, JS2116, JS2094, ये अभी विगत 5-6 सालों में विकसित की गई हमारे यहाँ की वैरायटी है, जो वर्तमान में दूसरे राज्यों में भी और मध्य प्रदेश में भी बहुत एरिया में उगाई जा रही है ना। RVS जो राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय से विकसित की वैरायटी भी, वो भी इसमें ये 2018 ये भी काफ़ी सहनशील वैरायटी है, पर इनमें भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन मिलता है। तो इस तरह से हम वैरायटी का चयन करें, मतलब उन्नतशील वैरायटी हो और जो नई किस्में हैं उनका चयन करें। तो नई किस्मों में इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों नहीं होती उसका कारण मैं बताऊंगा। बीज उपचार आपको शुरू में करना, बीज उपचार इसमें रिकमेंडेड है कि थायोमेथेक्सेन का कुछ लोग करते हैं और कुछ इंडस्ट्री का रिकमेंडेशन है कि थायोमेथेक्सेन 30 FS का 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करेंगे। तो ये करने से क्या होता है कि जो आपका सोयाबीन प्लांट जर्मिनेट होगा उसमें वाइट फ्लाई सफेद मक्खी का अटैक नहीं होगा, मतलब शुरू के 15-20 दिनों में उसमें सफेद मक्खी का उतना अटैक नहीं होगा जितना दूसरे पौधों में होता है। तो जब 10-15 दिनों तक अटैक नहीं होगा, 15-20 दिनों तक अटैक नहीं होगा, तो फिर सफेद मक्खी आएगी उसके ऊपर 15 दिनों बाद, तो फिर वायरस को लेके आएगी, तो वो वायरस को फिर मल्टीप्लाई होने में 20-25 दिन लग जाएंगे। तो इस तरह से ये थायोमेथेक्सेन का ट्रीटमेंट करने से हम इन्फेक्शन को, रोग की तीव्रता को डिले कर सकते हैं, मतलब उसको टाल सकते हैं 1-1.5 महीने के लिए। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को, हम अपने खेत को बचा सकते हैं। समय से बोनी करना चाहिए, अगर बहुत लेट बोनी करेंगे तो बहुत सारे पौधों में संक्रमण जो एक खरपतवार होते हैं इधर उधर, उनमें सब में संक्रमण हो गई होती है। जैसे ही हम बोनी करते हैं वो वायरस जो है वो सफेद मक्खी तुरंत आके बैठती है और वो सफेद मक्खी वायरस को लेके आती है, वो हमारे पौधों में संक्रमण कर देती है। तो समय पर बोनी करना चाहिए, बहुत लेट बोनी करने में कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा संक्रमण होता है। खरपतवार का समुचित प्रबंधन, खरपतवार बहुत सारे खरपतवार हम खेत में देखते हैं कि सोयाबीन पौधों में आपको पीलापन नहीं दिखेगा, पीला मोज़ेक का अटैक नहीं है, लेकिन बहुत सारे खरपतवार होते हैं जिनमें पीला मोज़ेक आपको दिख जाएगा। मेड़ पे उग रहे होते हैं, खेत के अंदर उग रहे होते हैं, उनमें पीला मोज़ेक आपको दिख जाएगा। तो ऐसे पौधों को, ऐसे खरपतवार को या सभी प्रकार के खरपतवारों को हमें उनका समुचित प्रबंधन करना चाहिए, हमें साफ सुथरी खेती करना चाहिए। रोग के लक्षण देखते ही ऐसे पौधे को तुरंत उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पहला कदम, अगर आपके खेत में 2 लाख पौधे लगे हुए हैं, अगर तो जो वायरस का इन्फेक्शन होगा ना वो किसी 1 या 2 पौधों में दिखाई देगा, 1-2 पौधे में 10 पौधों में, अगर वहां से अगर आपने 10-15 पौधे उखाड़ भी दिए, 20-50 पौधे उखाड़ भी दिए, तो आपके उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये मान के चलिए कि आने वाली फसल को आप बचा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कदम, पहला कदम जो होता है कि जैसे ही आपको पीला मोज़ेक का कोई भी पौधा दिखा उसको उखाड़ के फेंको, क्योंकि उसमें अगर एक बार इन्फेक्शन है तो उसमें दूसरी पत्तियां भी जो आने वाली हैं वो भी पीला मोज़ेक से संक्रमित होगी, आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे, वो आपको उखाड़ के ही फेंकना पड़ेगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे कम करोगे, तो धीरे धीरे 1-1.5 महीने में अगर ये बार संक्रमण नहीं फैला तो आप अपनी फसल को बचा लोगे ना। रोग का फैलाव अगर बढ़ रहा है और कीटों की संख्या बहुत ज्यादा है, सफेद मक्खी का बहुत ज्यादा आक्रमण है, आपको लग रहा है कि हमारा खेत संक्रमित हो गया है, कुछ पौधों में अटैक है और सफेद मक्खी का भी सफेद मक्खी भी बहुत ज्यादा है, तो वैसी सिचुएशन में
वैसी कंडीशन में हमें कुछ इंसेक्टिसाइड हैं जो सफेद मक्खी को मारते, सफेद मक्खी की संख्या को कम करेंगे, उसके लोड को कम करेंगे। तो ऐसे जो सिस्टमिक अपने अंतर्वर्ती अंतर्वर्ती जो कीटनाशक है उनका स्प्रे करना है, उनका छिड़काव करना है। उसमें आप थायोमेथिक्सिन का स्प्रे कर सकते हैं, इमिडाक्लोपिड कर सकते हैं, सिटामेपिड करके इंसेक्टिसाइड आता है। तो ये जो है ये जो स्टकिंग इंसेक्ट पेस्ट है जैसे सफेद मक्खी, एफिड जैसे, उसके उसके लोड को कम कर दें। तो इस तरह से आप यहाँ पे पीला मोजे का प्रबंधन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो नई वैरायटियां होती है, जो नई किस्में होती है, ये हमारे अनुसंधान केंद्र की फोटोग्राफ है। हम लोग का यहाँ पे जवाहरलाल विश्वविद्यालय जो जबलपुर है वो हॉट स्पॉट है बहुत सारी बीमारियों के लिए। इसमें से पीला मोजे के लिए, चारकोल रॉट के लिए, एंथ्रेक्नोज के लिए और पगनी झुलसन के लिए, चार पांच बीमारियों के हॉट स्पॉट है। हमारे बहुत तीव्रता में बीमारी आती है, आपके एरिया में आए ना आए, लेकिन हमारे यहाँ पीला मोजे आता ही आता है। अब जो जवाहरलाल नेहरू की किस्में हैं वो क्यों इतनी सहनशील है, क्यों इतना रेजिस्टेंस शो कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो वरायटी, हमारे अनुसंधान के जो वरायटी निकल रही है, अब उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक रेजिस्टेंट वैरायटी है, मतलब एक रेजिस्टेंट जीनोटाइप है, पूरी की पूरी दो लाइन में लगा हुआ है, उसके बगल में एक ससेप्टिबल। अब ऐसा आप किसी खेत में नहीं देख सकते कि जहाँ पे पीला मोजे आया हो और उस खेत में इस तरह से पौधे छूट जाए। तो ये क्या है, अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग जीनोटाइप है। तो हम इस तरह से स्क्रीनिंग करते हैं, जो बेस्ट मटेरियल होता है उसकी आपस में क्रॉसिंग करते हैं। फिर जो AICRP के ट्रायल्स होते हैं उसमें ये सब चीजें जाती हैं, और वहां पे भी हमें फाइनल स्क्रीनिंग करके जो नई किस्में विकसित हो रही हैं उनमें जो सहनशील किस्में हैं या जो मॉडरेट रेजिस्टेंट होती हैं या जो रेजिस्टेंट होती हैं, वही किस्मों का फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल आइडेंटिफिकेशन होता है, वही किस्में अनुमोदित होती हैं, रिलीज होती हैं और किसानों को दी जाती हैं खेती करने के लिए। लेकिन बाद में वो सहसनु भी हो जाती हैं, बट जो भी नई किस्में आ रही हैं, आप ये मान के चलें जो नई किस्में हैं वो ज्यादातर बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता रखती है, साथ साथ में सहनशीलता रखती है। तो हमें हमेशा खेती के लिए नई किस्मों का उपयोग करना है। तो इस तरह से हाँ, अब एक जो इम्पोर्टेंट बीमारी है वो पड़नी झुलसन, इसको एरियल ब्लाइट भी कहते हैं, बैब ब्लाइट में कहते हैं। बैब ब्लाइट मतलब ये जो राइट साइड में फोटोग्राफ्स लगी हुई है, यहाँ पे इसके लक्षण आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मृदा जनित बीमारी है, राइजोक्सोनिया सोलानाई करके फंगस से उससे फैलती है, मृदा जनित बीमारी है। और सर्वप्रथम जो लक्षण आते हैं वो कुछ पनीले धब्बे, मतलब जैसे कहते हैं कुछ आपके ब्राउन स्पॉट टाइप के आपके आएंगे पत्तियों के ऊपर, और ये जो स्पॉट्स हैं और लीजन है वो आपस में बढ़ जाएंगे और मिल जाएंगे। तो इस तरह से पूरी की पूरी झुलसन हो जाती है पत्ती में। राइट साइड की फोटोग्राफ में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ, ये राइट साइड की कॉर्नर पे जो फोटोग्राफ है वहां पे देखिए कि फंगस की ग्रोथ नजर आ रही है, सफेद फंगस की ग्रोथ नजर आ रही है। तो ये जो फंगस है ना, ये जो रोग का कारक है उसकी ग्रोथ है, ये वो एक बैब ब्लाइट की तरह, बैब की तरह, मकड़ी की जाली की तरह इस तरह से पत्तियों के ऊपर फैल जाएगा और दूसरी पत्तियों को भी और दूसरे पौधों को भी संक्रमित करेगा। तो इस तरह से जहाँ पे नमी की अधिकता होती है, पौधे बहुत ज्यादा घने होते हैं और आप कहें कि बारिश ज्यादा हो रही हो, तो इस तरह से इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। एक पैचेस बनते हैं कि 2-4-10 पौधों में संक्रमण बहुत ज्यादा फैल गया, फिर कहीं और संक्रमण शुरू हुआ तो वहां फैल गया, इस तरह से। तो ये चलते रहता है। नेक्स्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ, यही पे स्टॉप करिए। तो इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों में अगर बात करें तो ज्यादा घनी जो फसल होती है उसमें ये रोग आता ही आता है, लगातार बारिश हो रही है, नमी बहुत ज्यादा है, खराब जल निकास है, तो ये परिस्थितियों से अपने आप को बचाना है कि इस तरह से आप कि अपनी फसल को बचाना चाहते हैं, तो ये सब चीजों को आपसे आपको बेहतर तरीके से इसका प्रबंधन करना है। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। ये कुछ और फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे, मैंने फोटोग्राफ्स ज्यादा पुट अप किए क्योंकि ये फोटोग्राफ्स आपको बीमारी को पहचानने में मदद करेगी। तो जो यहाँ पे ये जो लेफ्ट वाली फोटोग्राफ है, जहाँ पे उंगली के ऊपर आप देखेंगे, ये मकड़ी के जाल की तरह पत्ती के ऊपर बना हुआ, ये मकड़ी का जाल नहीं है, ये ना सही मायने में फंगस है, यही फंगस फैलती है और यही फंगस इन्फेक्शन करती है पत्ती के ऊपर और गला देगी पत्ती को, झुलसन कर देगी। ऊपर ये दाने दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो ये दाने जो है, हाँ, इसमें लेफ्ट फोटोग्राफ में भी, राइट फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हैं, ये तने के ऊपर ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं मस्टर्ड के, ये यहाँ पे। तो ये दाने जो है ये फंगस के, राइजोक्टोनिया सोलानाई जो फंगस है,
इसकी स्क्रोशिया बनने है, मतलब इसकी सर्वाइवल स्ट्रक्चर, मतलब आगे जो बना रहेगा जो फंगस जिससे जीवित रहेगा आगे के लिए, वो स्ट्रक्चर इन्होंने बना ली है, वो संरचना इन्होंने बना ली है, और ये आगे चल के इसी फॉर्म में बने रहेंगे और जमीन में मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे, या जो आपका तना है पत्ती है उसी के माध्यम से पड़े रहेंगे, अगली बार जब आप सोयाबीन लगाओगे तो फिर से इन्फेक्शन का कारण बन जाएगी, या दूसरी और जो कोई क्रॉप लगाएंगे उसमें भी इन्फेक्शन हो जाती है। तो इस तरह से ये इसके लक्षण है और किस तरह से ये सर्वाइव करता है अगले साल फिर कहीं दो चार पौधों में। ये जो आप सबसे छोटी फोटोग्राफ है राइट साइड में, ये बहुत नीचे का पौधा है, जो सबसे पहले नीचे की पत्तियां होती हैं उसमें इन्फेक्शन होती है, वही इन्फेक्शन फिर ऊपर की पत्तियों में जाएगी, फिर दूसरे पौधों में जाएगी, और इस तरह से ये चलते रहता है और इन्फेक्शन होते रहती है और आपका झुलसन होते रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी किसी किसी खेत में पूरा का पूरा पत्तियां आपकी झुलस जाती हैं, पूरे के पूरे पैकेज में पत्तियां झुलस जाती हैं, पौधा आपका बिल्कुल उत्पादन लायक नहीं है, तो सब फूल फल सब झड़ जाते हैं और आपको इकोनॉमिक लॉस होता है। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। हाँ, इसका प्रबंधन कैसे करें? तो इसका प्रबंधन, तो ये एक तो जमीन से फैलने वाली बीमारी है, तो हमें यहाँ पे शुरू में पौधे को प्रोटेक्शन देने के लिए, को बचाने के लिए हमको सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार सबसे बेटर है कि या तो आप ट्राइकोडर्मा हजियानम से करें और ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो हैं उनसे करें, या उससे बेटर है कि जो अभी नए केमिकल्स हैं उसका इस्तेमाल करें, जिसमें कार्बोक्सिल सीरम है और भी जो मैंने दो केमिकल्स और बताए थे वो हैं। तो इनका आप जो यहाँ पे मात्रा दी हुई है 2 से 3 ग्राम, अगर कार्बोक्सिल प्लस सीरम की बात करें तो 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के दर के हिसाब से आप बीजोपचार करें और स्वइंग करें, तो काफी हद तक शुरू में जो इन्फेक्शन होनी चाहिए वो नहीं होती है ना। उचित जल निकास एवं अनुशंसित दूरी पर बुआई करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी फसल जो है बहुत सघन है तो बीमारी का प्रकोप ज्यादा होगा, बहुत तेजी से बीमारी फैलेगी, आप नियंत्रण नहीं कर सकते। रोग प्रतिरोधक और सहनशील, इसके लिए अगर देखा जाए तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी वैरायटी जो है जिसमें ये बीमारी नहीं आ रही, बट थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं किसी न किसी में इन्फेक्शन मिल ही जाता है। तो जो सहनशील जातियां हैं, उन्नत जातियां हैं, उनका इस्तेमाल करें। पुरानी जो जातियां जैसे 335 हो गई, 9905 है, और भी जो अपनी पहले पंजाब वन ब्रैग और ये सब होती थी, उनमें अभी बहुत ज्यादा संक्रमण होता है। ये क्या हो कि बार बार वही वही फंगस का अटैक होने से फंगस ने अपना प्रारूप बदल लेते हैं और वो ज्यादा सीवियर हो जाती है पुरानी वैरायटी। तो जो नई उन्नतशील जातियां हैं उनका आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तो ये रोगों का प्रकोप आपका कम हो जाएगा। इसके बाद उचित फसल चक्र, फसल चक्र सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये राइजोक्रोनिया फंगस की बात करें तो इसमें बहुत सारे और इसके होस्ट हैं, तो आप अगर नॉन होस्ट मतलब जो अगली फसल है उसमें ये बीमारी फंगस जो है बीमारी नहीं कर पाए, वैसी फसल हमको लगाना चाहिए। जैसे कि सोयाबीन के बाद अगर आप गेहूँ लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, सोयाबीन के बाद अगर चना लेंगे तो भी सॉइल बॉर्न प्रॉब्लम बढ़ती है ना। तो इस तरह से आप फसल चक्र अपनाएं। भूमि में आवश्यक मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलन, ये बहुत जरूरी है। जितना अच्छा फर्टिलाइजर आपकी जरूरत के हिसाब से पौधों को न्यूट्रिशन मिलेगा, पौधा उतना ज्यादा मजबूत होगा और बीमारियों का प्रकोप कम से कम होगा। ट्राइकोडर्मा हरजियानम 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होने की स्थिति में अच्छी से सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर डालें। ये डालने से आपकी जमीन की सेहत सुधरेगी। साथ साथ में ट्राइकोडर्मा हरजियानम फंगस क्या करता है, ये इसके ऐसा मैकेनिज्म है कि ये डायरेक्टली जो है राइजोक्टोनिया फ्यूजेरियम और भी जो सॉइल बॉर्न फंगस है उसके ऊपर डायरेक्टली फीड करता है, उसके ऊपर पैरासिटाइज करता है, उसको खाता है, मतलब उसकी संख्या को कम करेगा। और भी दूसरे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन होने से रोकता है और पौधों की जो सेहत है, मतलब एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया के रूप में भी, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग माइक्रोब्स के रूप में भी ये हेल्प करता है। तो ये एक्चुअली इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट वो हैं। तो आप बेटर ये कि ट्राइकोडर्मा हरजियानम को सॉइल में मिला के डालें, और सीड ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट के लिए आप फंजिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं अगली बीमारी के ऊपर आता हूँ, वो है एंथ्रेक्नोज एवं फ्लाई। पिछले विगत 4-5 सालों में इस बीमारी का प्रकोप पूरे इंडिया में सभी जगह देखने को मिल रहा है और कुछ क्षेत्रों में ये बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि खासतौर पर जो भी आपका पानी गिरता है फिर उसके बाद रुक जाता है, मतलब एक ड्राई क्लाइमेट, जहाँ पे गर्म और नम जैसी सिचुएशन बनती है तो वहां पे इसकी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है। और लास्ट में क्या हो रहा है कि आपकी हार्वेस्टिंग के समय
जब आप हार्वेस्टिंग करने वाले होते हैं उस समय बारिश होती है, तो बारिश में क्या होता है इसकी इन्फेक्शन सीड में हो जाती है। ये सीड बॉर्न बीमारी है, ये इंटरनल सीड बॉर्न बीमारी है। तो जो इसका जो इन्फेक्शन आ रही है वो सीड से पौधों में आती है, फिर पौधे में जो इन्फेक्शन हुई वो इन्फेक्शन आपकी फिर सीड में चली जाती है ना। तो इस तरह से इसका साइकिल चलते रहता है। इसका प्रकोप सोयाबीन की प्रारंभिक अवस्था से फली पकने तक होता है ना। पत्ती तना फलियों पर आने में भूरे काले छोटे से बड़े आकार के धब्बे दिखाई देते हैं। शुरू में छोटे छोटे धब्बे बनते हैं। ये जो पौधा है बहुत क्लियर फोटोग्राफ है ये, और ये यहाँ पे छोटे लीजन और छोटे धब्बे बनेंगे, और बाद में ये लगभग आपका 25 दिन का 30 दिन का पौधा है। ये फोटोग्राफ मैंने खींची हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा का पूरा पौधा ये काला हो गया, मतलब पूरा ब्राउन हो गया, काला हो गया ना। और ये जो उसकी शाखाएं निकल रही थी वो भी काली हो गई, मतलब ये पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया। अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। इस तरफ ये जो शाखाएं हैं आपकी इसमें इन्फेक्शन नहीं हुई है, लेकिन ये भी टूट के गिर जाएंगे ना। तो यह तो शुरू में ही खत्म हो जाएगा, फिर बाद में अगर सर्वाइव कर गया तो सर्वाइव करने के बाद क्या होगा कि इस तरह से जो फलियां बन रही होगी, नेक्स्ट कर लीजिए प्लीज, नेक्स्ट कर दीजिए। तो जो लेफ्ट साइड में फोटोग्राफ्स हैं, जो इस तरह से फलियां बन रही है लेफ्ट साइड में, ये जो फली के ऊपर संक्रमण हो गया था, अभी वही जो लीजन्स थे, वही जो धब्बे थे, वो जो फली आपकी बन रही थी, नई नवेली फली बन रही थी आपकी, मतलब जिसे हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज टू रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब जो अर्ली स्टेज में जो पॉड डेवलपमेंट सीड डेवलपमेंट हो रहा है उसमें इन्फेक्शन होगी। तो फली जो फली है पूरी आपकी सिकुड़ गई, इसके अंदर के दाने अब नहीं बनने वाले, ये फली खराब होगी। बाद में क्या होगा कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हुई तो बाद में जो दाने भर रहे होते हैं, दाने पक रहे होते हैं, उस समय भी इसकी इन्फेक्शन हो जाती है किसी किसी दानों। तो इस तरह से इसका चलते रहता है। और ये जो कुछ फलियां आपकी अगर परेशान है, तो वैरायटियों का उचित तरीके से आप चयन करें। अच्छा, इसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियां वो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम रोग के फैलने के लिए अनुकूल होता है। मतलब लंबे समय तक आपका पानी नहीं गिरा और हल्का फुल्की बारिश होती रही, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये जो फंगस है कोलेक्टोट्राइकम बहुत तेजी से फैलता है, इसका अटैक बहुत तेजी से होता है, इन्फेक्शन बहुत तेजी से होती है। और खासतौर पर ये जो फली के ऊपर ब्लैक डॉट डॉट से दिख रहे हैं ना, ये इसकी सर्वाइवल स्ट्रक्चर है, मतलब जहाँ पे ये जिंदा रहता है, तो एसरबोलाई कहते हैं। ये एसरबोलाई जो ब्लैक डॉट डॉट है, ये अगले सीजन में या ये जो है सीजन में इन्फेक्शन का कारण बनती है, तो ये सर्वाइव करता है। अब नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब इसका प्रबंधन कैसे करें? तो इसके प्रबंधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये आपको रोग रोधी जो आपका बीज है वो प्रमाणित होना चाहिए, स्वस्थ बीज होना चाहिए। किसी भी जहाँ किसान भाई, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे आपको लगता है कि एंथ्रेक्नोज की इन्फेक्शन है, जिस पौधों में फली झुलसन की समस्या आपको दिख रही है, जिस खेत में इस तरह की समस्या है, तो उस खेत से आप बीज ना लें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं 2-10% आपको सीड इन्फेक्टेड मिल जाएंगे। वो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो अच्छे अच्छे खासे आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगले सीजन में वो आपको फिर से संक्रमण का कारण बन जाएंगे, वही बीज आपके आपकी खेत में संक्रमण का कारण बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रखें कि आपका बीज जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, ज्यादा बढ़िया। अच्छा, इसमें आप फंजीसाइड का ट्रीटमेंट अवश्य करें। फंजीसाइड का ट्रीटमेंट करने से क्या होगा कि जो इसमें कार्बोक्सिन का सीरम है, तो कार्बोक्सिन यहाँ पे सिस्टमिक है और सीरम कॉन्टेक्ट है, तो जो सरफेस के ऊपर है और अंदर जो आपकी फंगस छुपी हुई है ऐसे बुलाई, वो काफी हद तक यहाँ पे कम हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाएगी, आक्रिय हो जाएगी वो आपकी फंगस है। इसके साथ साथ आप ये ऑप्शन ना लेके आपके पास थायोफेनेट मिथाइल और पाइराक्लोस्ट्रोबिन करके ये कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, पेनफ्लुपेन प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन, इसका भी कॉम्बिनेशन आता है। तो ये तीन फंजीसाइड जो है सी ट्रीटमेंट के लिए, बीज उपचार के लिए सोयाबीन में रिकमेंडेड है अनुशंसित, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये सारे के सारे नए मॉलिक्यूल हैं, बहुत इफेक्टिव मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। आप ये सब ये डर्वस्टीन और कार्बेंडाजिम ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें डायरेक्टली, ये जो मैं केमिकल्स बता रहा हूँ इन्हीं से बीज उपचार करें, ठीक है। अब खड़ी फसल में, अब ये तो बीज उपचार आपने कर दिया, खड़ी फसल में सपोज दैट आपको मान लो कि एक महीने में अगर इन्फेक्शन कहीं कहीं नजर आ रही है, या आपकी फली बन रही है उस समय किसी किसी फली में इन्फेक्शन है, तो
तो उस समय आप यहाँ पे फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो फंजीसाइड का स्प्रे बहुत इफेक्टिव होता है। अगर ये जो फंजीसाइड यहाँ पे बताए गए हैं, टैबुकोनाजोल 25.9% जो आपका टैबुकोनाजोल पॉलीक्योर और भी ब्रांड के नाम से आते हैं, तो उसकी 650 ml प्रति हेक्टर, या एक ये आपका था टैबुकोनाजोल 10% और सल्फर इसमें 65% सल्फर होता है, तो इसकी 1250 ग्राम दवा प्रति हेक्टर, मतलब प्रति हेक्टर का मतलब है कि 500 लीटर पानी का इस्तेमाल कर। तो इसमें आप घोल बना के ये दो फंगिसाइड जो हैं ये काफ़ी इफेक्टिव हैं। इनका आप अगर दो स्प्रे भी आप कर देते हैं तो जो आपकी संक्रमण बढ़ रही थी, इन्फेक्शन बढ़ रही थी, वो रुक जाएगी, काफ़ी हद तक डिजीज कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बुवाई के कटाई के समय विशेष ध्यान रखें कि सोयाबीन जैसे ही परिपक्व हो जाता है तो तुरंत आप उसकी कटाई कर लें, क्योंकि बारिश वारिश आती है तो फिर से इन्फेक्शन फीड में हो जाती है। और खेत को आपको साफ सुथरा रखना है, और किसी पौधे में अगर ज़्यादा संक्रमण है तो उनको आपको तुरंत उठा के फेंक दें, क्योंकि वो फर्दर आगे जो है दूसरे पास के पौधों में इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। क्योंकि जो आपकी एसर गुलाई है, जो जहाँ पे संक्रमण हुआ है उसके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती हैं, तो बारिश की बूंदें से जो आपकी फंगस है वो दूसरे पौधों के ऊपर भी गिरेगी, मतलब तो एक छिटका सा होगा। जैसे बारिश की बूंद गिरती है तो मिट्टी के कण इधर उधर जाते हैं, तो उसी तरह से ये आपकी फंगस जो है, फंगस बहुत छोटे होते हैं तो वो भी आसपास के पौधों में, तो खासतौर पर सोयाबीन में जो बारिश वाली जितनी भी फसलें होती हैं जहाँ पे आपका कोई भी पौधा संक्रमित हो रहा, तो ऐसे पौधों को आपको उखा के फेंक देना चाहिए जहाँ पे अगर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वो दूसरे पौधों को भी खराब करेगा। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। हाँ, अब मैं बात करूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पिछले 2-3 सालों में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का एरिया जो कुछ क्षेत्रों में कम हुआ है, उसके पीछे कारण है ये चारकोल डॉट सड़न बीमारी का। ये हमारे अनुसंधान केंद्र में भी कुछ फील्ड में और कुछ जो पुरानी वैरायटियां हम लगाते हैं उसमें भी आ जाता है। और किसानों के यहाँ जो किसान भाई जो अपने 95-60 रुपये और जो दूसरी वैरायटियां हैं, जो पुरानी वैरायटियां हैं 335, तो वो उगा रहे हैं, तो उनके खेत में चारकोल डॉट सड़न की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से आ रही है। और ये जो फंगस है मैक्टोफोमिना फेजुलिना, जिससे राइजोफोनिया बटाटी को लगी कहते हैं, तो ये फंगस जो है चने में भी ड्राई रूट रॉट कॉज करता है। ड्राई रूट रॉट मतलब एक सड़न होती है चने में, मतलब इसी तरह से उसमें भी बीमारी आती है। तो उसमें भी तो क्या कर रहे हैं, उसमें भी ये बीमारी आती है। तो दोनों का फंगस एक ही है, और मक्के में भी आता है, और आपका और दूसरी क्रॉप है ज्वार मान के चलिए, सिस्टमी जो क्रॉप है आपकी, ऑयल सीड हो गई, बहुत सारे इसके होस्ट हैं। मतलब चारकोल रॉट का जो पैथोजन है राइजोफोनिया बटाटिकुला, इसके लगभग लगभग अगर पूरी दुनिया में बात करें, पूरे वर्ल्ड में, तो इसके 500 होस्ट हैं। 500 होस्ट के मतलब 500 प्रकार के अलग अलग तुलसी में, और मतलब मेडिसिनल प्लांट में भी आ सकता है, सब्जियों में भी आता है ना। तो इस तरह से इसका जो फंगस का लोड है ना, चारकोल रॉट के फंगस का, मैक्रोफोमिना फेजुलिना का लोड जमीन में बना रहता है। ये मृदा जनित और बीज जनित बीमारी है, बीज में भी इसका संक्रमण हो जाता है ना। अब ये चारकोल रॉट का मुख्य लक्षण क्या है? अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी इन्फेक्शन जो है ना शुरू से होते रहती है पौधों में। आपने जुलाई में सोइंग की, जुलाई में भी कुछ इन्फेक्शन होगी, अगस्त में भी इन्फेक्शन होगी, और ये इन्फेक्शन जो है ना धीरे धीरे इसकी जो फंगस है वो पौधे की पानी की नली में ग्रो करते जाएगी, और उसके जो जड़ है उसमें बढ़ते जाएगी। और जैसे ही आपका थोड़ा सा ड्राई स्पेल, शुष्क अवस्था आई, या उस समय आपका पौधा मान के चलो फूल फली वाली अवस्था में है, या आपकी फली पकने वाली है, तो ऐसी अवस्था में अगर कोई शुष्क अवस्था आ जाए जहाँ पे टेम्परेचर आपका 30-35 डिग्री पहुँचना शुरू हो जाए, और आपकी वैरायटी अगर ससेप्टिबल है, तो यहाँ पे एकदम से पौधे क्या होते हैं, सूखने शुरू हो जाते हैं। और वो सूखने कैसे शुरू हो जाते हैं, पहले पौधे क्या होते हैं, हल्के डल ग्रीन इस तरह के, मतलब उनका जो एक्चुअल अपीयरेंस है, जैसे पौधे दिखाई देते हैं ना एकदम टाइट हरा एकदम, तो वो हरापन पौधों का शुरू से अगर देखें तो हरापन पौधों का थोड़ा सा गायब हो जाएगा, हल्का सा डल दिखने लग जाएंगे कि हाँ जैसे कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद पौधे और डल होंगे, और अगर कंडीशन, अगर वातावरण बहुत ज़्यादा शुष्क है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ज़मीन का तापमान भी अगर बढ़ रहा है, तो वैसी सिचुएशन में पौधे एकदम से सूखने शुरू हो जाएंगे। पत्तियाँ जो हैं उनकी वो इतनी जल्दी सूख जाएंगी कि पत्तियाँ भी गिर नहीं पाएंगी, पूरी की पूरी पत्तियाँ चिपकी रह जाएंगी उसके जो
वेटियोल्स हैं वो चिपकी रह जाएंगी पौधे के ऊपर और आपका पूरा पौधा सूख जाएगा, वैसे के वैसे लगा रहेगा और देखते देखते 3-4 दिनों में 5 दिनों में हो तो किसी किसी में कभी कभी 8 दिन भी लग जाते हैं, पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। अब ऐसे पौधों को आप कैसे कहेंगे कि ये पौधा चांदपुर रोड से गिर गया, जनरली तो नहीं कह सकते कि कैसे सूखा, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है। सब लोग कहते हैं कि सूख गया, लेकिन अब इसको पहचाने कैसे? तो पहचानने के लक्षण यही है कि पौधा अगर सूखा हुआ है तो उसमें उस सूखे हुए पौधों में पत्तियां लगी रहती, चिपकी रहती हैं, पत्तियां अटैच रहती हैं, ठीक है। और जब हम ऐसे पौधों को उखाड़ के देखेंगे तो जो आपका नीचे का लोअर है, दूसरी पिक्चर के ऊपर पिन पॉइंट कीजिएगा, जहाँ पे जो कालापन है, तो ये जो आपका नीचे का तना है, नीचे की जड़ है, वो पूरा जैसे कि चारकोल होता है ना कोयला, उसकी तरह आपको काली सी मतलब मटमैली काले रंग की दिखाई देती है। यदि तनों के ऊपर की छाल को अलग करके देखें तो मटमैले काले रंग की दिखाई देगी ना, और इसकी जड़ों को अगर आप तोड़ के देखो तो पट पट टूटेगी, मतलब ऐसे लगेगा कि सूख गई है, जैसे सूखी हुई रहती है ना वैसे एकदम। और ये तब मिलेगा आपको, आप अगर तुरंत अगर कोई पौधा सूख गया और उसको आप उखाड़ के देखोगे तो उसमें ये कालापन नजर नहीं आएगा। ज्यादातर किसानों को कंफ्यूजन यही होता है कि इसमें तो चारकोल रॉड जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा, इसकी जड़ तो काली ही नहीं है, लेकिन वो पौधों की जो डेथ हुई है, जो पौधों की मृत्यु हुई है, वो चारकोल रॉड की वजह से हुई है। अभी उसके अंदर चारकोल रॉड का जो फंगस है, मृत पौधे के ऊपर भी जो पौधा सूख रहा होता है ना, तो उसके ऊपर पौधे की जो फंगस है उसका डेवलपमेंट और फास्ट होना हो जाता है। तो ये जो कालापन नजर आता है ना, ये कालापन एक्चुअली ये फंगस का रूप है, ये फंगस के ब्लैकनिंग फंगस का रूप है। तो उसकी जितनी ज्यादा माइक्रोस्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हैं, फंगस की संरचना जितनी ज्यादा बनती है उतना ज्यादा कालापन। तो जब पौधा सूख जाएगा आपका, तब आप उसको उखाड़ के देखोगे तब उसके अंदर कालापन दिखाई देगा। तुरंत सूखे हुए पौधों और जिसका तना आपका हरा है उसमें आपको कालापन नजर नहीं आएगा, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। ये कुछ और फोटोग्राफ्स हैं, ये हमारे कुछ रिसर्च टाइप की फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो कुछ वैरायटियां जो है, मतलब एक ही खेत में यहाँ पे कुछ वैरायटी जो है, कुछ जीनोटाइप्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल रेजिस्टेंस शो करते हैं, और कुछ जीनोटाइप्स हैं वो बिल्कुल सूख जाते हैं इस तरह से। तो ऐसे हम जो सूख जाते हैं, मर जाते हैं चारकोल रॉट से, उनको हम खत्म कर देते हैं, वो ट्रायल से खत्म हो जाते हैं। जैसे ये नीचे की फोटोग्राफ्स में क्लियर है कि एक ये बिल्कुल हरा है, एक लाइन बिल्कुल हरी है और दूसरी लाइन जो है बिल्कुल डेड हो गई है कम्प्लीटली। इसे कहते हैं स्क्रीनिंग करके ही वैरायटी निकाली जाती है रेजिस्टेंस के लिए, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं और यहीं से आगे वैरायटी डेवलपमेंट होता है। तो ये चारकोल रॉट सड़न का प्रबंधन कैसे किया जाए, तो यहाँ पे शुरू में हमको बुआई हेतु रोग प्रतिरोधक और संहिता जातियों का चयन करना है, जो नई किस्में उन्हीं का आप उपयोग करें। बीज उपचार आपको अवश्य करना चाहिए, बीज उपचार या तो आप ये फंजीसाइड से कर लें या फिर ट्राइकोडर्मा हरियाणा से करें। अच्छा, दूसरी बात है, जमीन में अगर ट्राइकोडर्मा की संख्या आप बढ़ा दोगे, ट्राइकोडर्मा फंगस की संख्या आप बढ़ा दोगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके लिए आप बोनी के पूर्व 8 से 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हरियाणा, 10 से 12 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद में मिलाकर लगभग 1 सप्ताह रखने के बाद बोनी पूर्व प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह खेत में मिला दें ना। फसल चक्र आपको बिल्कुल अपनाना है, क्योंकि सोयाबीन के बाद हम चना लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है, और ज्वार लेते हैं, बहुत सारी ऐसी फसल हैं जो इस प्रकार के फंगस के लिए सहन होती है। तो हमें फसल चक्र कुछ ऐसा अपनाना है कि जैसे सोयाबीन के बाद हमने गेहूँ ले लिया ना, गेहूँ के बाद चना ले लिया, सोयाबीन ले लिया, इस तरह से मतलब थोड़ा सा फसल चक्र, ये नहीं कि एक ही खेत में हम सोयाबीन चना आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लगातार 5 सालों से 10 सालों से सोयाबीन चना ले रहे हैं। तो 5 साल 10 साल से सोयाबीन चना ले रहे हैं तो फिर बीमारी की संख्या तो बढ़ती जाएगी, फिर अब जो जमीन से संबंधित समस्या है वो जमीन तो आपकी लोड हो गई पूरी की पूरी फंगस से उससे, तो उनको आप जमीन को तो ट्रीटमेंट कर नहीं सकते, तो इस तरह से समस्या बढ़ती है किसान भाइयों। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि जमीन से लगने वाली समस्या है, इसका कोई नियंत्रण नहीं है चारकोल रॉट का, एकदम से पौधे सूख जाते हैं। हम शुरू से अगर ध्यान देंगे तभी हम अपनी फसल को बचा पाएंगे और अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे ना। प्रजनक अवस्था में अगर पानी की कमी हो जाएगा, ड्राई स्पेल वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जमीन का तापमान बढ़ रहा है, तो अपन हल्की फुल्की सिंचाई कर सकते हैं, उससे भी बीमारी का प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है। गर्मी में गहरी जुताई करने से क्या होगा कि जो ऊपर आपकी फंगस है वो जमीन के अंदर चली जाएगी, या गहरी जुताई करने से जो
ऊपर नीचे जो फंगस है वो आपकी जो हाई टेम्परेचर है उससे अपग्रेड हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट और बीमारी है वो सोयाबीन रस्ट, जो अभी मैंने पहले ही बात की थी कि मध्य प्रदेश में अभी इसका प्रकोप नहीं होता, लेकिन ये कर्नाटक में, महाराष्ट्र का जो सदर्न महाराष्ट्र है उसमें इसका प्रकोप होता है। तो ये फोटोग्राफ्स में आप इसके लक्षण देख सकते हैं, ये फोटोग्राफ मेरी खींची हुई है महाराष्ट्र और उसकी सांगली की। तो यहाँ पे हल्के छोटे सुई की नोक की तरह के ना हल्के से उभार से निकलते हैं पत्तियों के ऊपर, पशू जिसे कहते हैं। तो ये बाद में ना धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। और बढ़ने के बाद क्या होता है कि इस तरह से पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाती है। मतलब ये पूरी की पूरी पत्ती आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी पत्ती में रस का संक्रमण हो गया है, ये पत्ती पीली पड़नी शुरू हो गई है। और नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये तो शुरू में आपकी सुई की नोक के बराबर के छोटे छोटे पस्टूल बनेंगे, भूरे कलर के पस्टूल बनेंगे, वो आपस में बढ़ते जाएंगे, आपस में मिलते जाएंगे और संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ेगा। और बाद की अवस्था में क्या होगा कि इस तरह से पूरी पत्तियां आपकी पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, पूरी की पूरी पत्तियों पे पस्टूल बनने शुरू हो जाएंगे। और ऐसी पत्तियों को आप थपथपाओगे, ऐसे ठोकोगे तो आपको आपके हाथ में पाउडर सा चिपक के आएगा, ये सिचुएशन हो जाती है। वो रस्ट के पस्टूल होते हैं जो आपके हाथ में चिपक जाते हैं, तो ये हवा के माध्यम से दूसरे खेत में भी चले जाते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है साउथ, खासतौर पर इसके लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र स्तर के एरिया के लिए ये रेगुलर आती है। और कुछ रेजिस्टेंट वैरायटीयां भी इन्होंने डेवलप की हैं, किसान उसको उगा रहे हैं, धारवाड़ सोयाबीन के नाम से कुछ हैं वैरायटियां, ठीक है। और इसके लिए ऊपर मॉलिकुलर लेवल पे भी बहुत काम कर रहा है। और ये ना कि यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम है, ये इसको एशियन सोयाबीन रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्राजील में भी इसका बहुत ज्यादा अटैक है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इसका बहुत अटैक है। इसके लिए बहुत ज्यादा, भी जैसे डॉक्टर प्यासी सर बोल रहे थे, तो ये बायोट्रॉपिक फंगस है, मतलब जीन टू जीन रिएक्शन होती है यहाँ पे। तो इसके लिए बहुत सारे जीन्स आइडेंटिफाइड किए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। तो वो जीन्स को लेके जीन पिरामिडिंग, मतलब एक ही वैरायटी में क्या हो रहा है कि इसकी अलग अलग रेसेस हैं। जैसे हमने एक वैरायटी का विकास कर लिया जो रेजिस्टेंट है, तो उसके उसमें क्या होता है कि फंगस का दूसरा प्रारूप आ गया, वो दूसरे प्रारूप ने उस वैरायटी को फिर खत्म कर दिया, फिर वो वैरायटी चल रही है तो तीसरा प्रारूप आ गया। तो ऐसे बहुत सारे इसकी रेसेस आइडेंटिफाई, तो वो रेसेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। वो रेजिस्टेंट जीन को लेके जीन इनकॉर्पोरेशन, मल्टी जीन पिरामिडिंग, मतलब एक ही वैरायटी में चार पांच छह प्रकार के जीन डाल के वो कर रहे हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर रहे हैं और वो किसानों को दिया जा रहा है। तो ये मतलब इसमें जीन पिरामिडिंग और बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है रस के अगेंस्ट, बाकी जो स्पाइनल बॉर्न डिजीज है उनके लिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये आप फोटोग्राफ से क्लियरली इंडिकेशन है कि इस तरह से डिजीज। अच्छा, इसके मैनेजमेंट के लिए, अच्छा टाइम ज़्यादा हो जाएगा आपने, इसके मैनेजमेंट के लिए कुछ फंजीसाइड रिकमेंडेड है और यहाँ पे लिस्ट है, हेक्सिकोनाजोल, फिजॉक्सिन, मिथाइल और पिटॉक्सिन, ये सब नए फंजीसाइड है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये आप किसान भाइयों, आपके लिए बहुत बढ़िया है कि अगर जो सोयाबीन की खेती में रस्ट वगैरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये सब फंजीसाइड का स्प्रे आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लीफ स्पॉट डिजीज, इसमें पड़नी धब्बे कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे धब्बा रोग आता है। तो इसमें माइरोथीचियम लीफ स्पॉट आता है, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, टारगेट लीफ स्पॉट और फ्रॉग आई लीफ स्पॉट। तो ये सारे के सारे लीफ स्पॉट्स हैं, अलग अलग इसके सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पे पहले में आप ये देखेंगे माइरोथीचियम लीफ स्पॉट के सिम्टम्स हैं, ये ब्राउन छोटे गोल कलर के धब्बे बनते हैं और इसके ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद फलन चाय बनी। तो इससे आप इसको पहचान सकते हैं कि ये जो बीमारी है वो माइरोथीचियम लीफ स्पॉट है, ये रेयर पिक है, कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। देन ये इसके बाद हम बात करें कि फ्रॉग आई लीफ स्पॉट, फ्रॉग आई लीफ स्पॉट की ये, हाँ ये इसमें क्या होता है, ये भी बहुत नॉर्दर्न पार्ट में हिमाचल में पंजाब इस तरफ भी इसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रॉग आई लीफ स्पॉट इसे बोलते हैं इस बीमारी को, ये सर्कोस्पोरा सोजिना की वजह से है। तो ये यहाँ पे ये पत्तियों के ऊपर ना इस तरह से धब्बे बनते हैं जिसकी मार्जिन, मतलब धब्बे की जो मार्जिन है बिल्कुल डार्क गहरे कलर की मार्जिन होती है और बीच का धब्बे के बीच का जो भाग है बिल्कुल राख के कलर का, जैसे आप लकड़ी जलाने के बाद राख का कलर होता है ना, वैसे। आगे कर दीजिए प्लीज, फ्रॉग स्पॉट की बात हो रही है, आगे कर दीजिए फॉरवर्ड, वन स्लाइड फॉरवर्ड प्लीज।
हाँ इसकी बात हो रही है। ओके तो यहाँ पे ये जो धब्बे हैं, इसके ये धब्बों में जो इसका किनारा है, मार्जिन है, वो बहुत डार्क गहरे कलर का मार्जिन होता है, और बीच का जो भाग है वो बिल्कुल राख की तरह, मतलब राख जैसे होती है ना लकड़ी जलने के बाद जो राख होती है, उस तरह से ये हल्के रंग की होती है, और बीच में से ये फूट जाते हैं, मतलब यहाँ पे होल हो जाएगा पत्तियों में, तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं ना। उसके बाद मैं सीधे पत्तियों में जो धब्बे रोग हैं उनके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, और भी जो धब्बे रोग हैं सबके लिए क्या मैनेजमेंट है। तो ये जितने भी धब्बे रोग हैं पत्तियों में, जो धब्बे रोग आते हैं खासतौर पर आपके सेप्टेम्बर मंथ में आने शुरू होते हैं, 15 अगस्त के बाद आने शुरू होते हैं, धीरे धीरे सेप्टेम्बर में बहुत ज्यादा इनका प्रकोप बढ़ता है। तो हमें बीज जो है स्वस्थ बीज का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखें कि जिस खेत में अगर रोग ज्यादा है तो ना ले, और उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल हमको करना है। फिर साथ में आपको रोग प्रतिरोधक और सहनशील किस्मों का ये ध्यान रखना है, बीज उपचार आपको करना ही करना है क्योंकि ये जनित रोग है, और बीमारी का अधिक फैलाव हो रहा है तो उस समय आप ये कुछ में पायराफ्लोक्सोबिन 20% का स्प्रे कर सकते हैं, आप टैबकोनाजोल 10% प्लस सल्फर ऐसे कुछ स्प्रे कर सकते हैं। फिर एक ये नया फंजीसाइड और है, ये अभी रिसेंटली रिकमेंडेड है, ये इसका भी आप फ्लुक्सा पायराफ्लोक्सोबिन प्लस पायराफ्लोक्सोबिन इसका भी इस्तेमाल आप पत्तियों के धब्बे रोगों को नियंत्रण करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए इनका 2 से 3 स्प्रे, 1 या 2 स्प्रे भी आप करते हैं, वो भी 50 दिन के बाद, काफी हद तक बीमारी जो है वो आपकी कम हो जाएगी, पत्ती धब्बे रोग आपकी कम हो जाएगी, उत्पादन आपका बढ़ेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से संक्षिप्त में कि कुछ जो महत्वपूर्ण आगे कर दीजिए स्लाइड, हाँ, इंसेक्ट हैं जो इंडिया में सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इंसेक्ट की अगर बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्टैम फ्लाई, जो रेगुलर ये मेजर इंसेक्ट है, तो नेशनल सिग्निफिकेंस मतलब यहाँ पे जो 5-6 इंसेक्ट जो हैं वो पूरे भारत में आपको मिलेंगे। स्टैम फ्लाई का अटैक सभी जगह मिलेगा, टोबैको कैटरपिलर जिसे आप तंबाकू के लिए बोलते हैं ये भी सभी जगह आती है, ग्रीन सेमिल ऊपर ये भी आता है, डर्टल बीटल इसका भी प्रकोर मोर और लेस ज़्यादा कम कहीं ना कहीं सभी जगह मिलता है, पॉड बोरर आता है, वाइट फ्लाई आती है ना, तो ये मेजर इंसेक्ट है सोयाबीन ना। अब माइनर इंसेक्ट की बात करें, मेजर इंसेक्ट बेस्ड ऑफ रीजनल सिग्निफिकेंस मतलब इसके अलावा भी जैसे बिहारी हैरी कैटरपिलर ये कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाता है ना, ब्लू बीटल वगैरह भी कुछ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में इसकी प्रॉब्लम है ना, लीफ माइनर इसकी भी प्रॉब्लम है, लीफ डिफोलिएटर मतलब पत्तियों को छेदने वाले, पत्तियों को खाने वाले है ना, इसकी भी प्रॉब्लम है। तो ये इस तरह से ये भी इम्पोर्टेंट पेस्ट हैं जो कभी कभी बहुत ज्यादा संख्या में मतलब आ जाते हैं और सोयाबीन फसल को बर्बाद करते हैं। तो बात करें कैसे इनका निरीक्षण किया जाए, कैसे इनकी पहचान की जाए, तो ये फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे डाली हुई है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये तना मक्खी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी वैरायटियों में ज्यादा से ज्यादा वैरायटियों में इसका अटैक होता है, और किस तरह से ये एंटर करती है, ये इसकी मैगट होती है, मैगट इसे बोलते हैं तना मक्खी, और ये यहाँ पे होल बनाएगी, इसमें एग लेइंग करेगी, एग लेइंग करने के बाद जो इसका लार्वा है वो इसमें सोयाबीन का जो तना है उसमें टनल बनाएगा, टनल मतलब सुरंग जिसे कह सकते हैं, तो वो सुरंग की वजह से अंदर पूरा खोखला हो जाएगा और वो आपका पौधा कमजोर पड़ जाएगा, और कभी कभी अगर ज्यादा लंबी टनल होगी तो सूख भी जाता है, या फिर वो सेकेंडरी ब्रांचेस मतलब दूसरी अगल बगल से वो निकलनी शुरू हो जाती है, तो वो फाइनली आपको उसके जो फूल फल जैसे आने चाहिए वैसा नहीं आ पाता है ना, तो इस तरह से ये नुकसान पहुंचाता है ना। तो अब बात करें दूसरा इम्पोर्टेंट और दूसरा महत्वपूर्ण कीट जो है चक्रभंग भ्रंग जिसे कहते हैं गर्डल बीटल है ना, ये इसका प्रकोप भी ऑल ओवर इंडिया है। तो ये गर्डल बीटल का ये जो आपका एडल्ट है, और ये एडल्ट जो है इस तरह से ये बनाते हैं, ये यहाँ पे इसकी जो लार्वा है वो ये इसके अंदर एग लेइंग होने के बाद 2 कट बनाते हैं, ये आप किसान भाई ज्यादातर लोग जानते होंगे, इस तरह से 2 कट बनाते हैं, जहाँ पे ये कट बनाते हैं तो उसके ऊपर का पोर्शन टूट के गिर जाता है, जैसे ये वाली फोटोग्राफ में है, ये यहाँ से पत्ती ऊपर से गिर जाएगी, अगर यहाँ नीचे से बनाएगा तो वो पत्ती वहाँ से टूट के गिर जाएगी। तो कई बार किसी खेत में अगर डंठल बीटल का बहुत ज्यादा प्रकोप है तो ऊपर से ऐसे डंठल डंठल बचेंगे, ऊपर से पूरा का पूरा टूट जाता है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कीट है सोयाबीन की फसल के हिसाब से देखा जाए। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं, ये को पहचानने का है कि ये जो चक्र बना रहा है ना, चक्रभंग मतलब जो ये दो दो वो बना रहा है वहां पे एग लेइंग करते हैं ये, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि ये गर्डल बीटल का प्रकोप हमारी सोयाबीन की फसल में हो ना। अब सेमी लूपर की बात करें,
सेमिलुपर दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रीन सेमिलुपर और एक दूसरे प्रकार का सेमिलुपर है। तो इसका एडल्ट इस तरह से कुछ दिखता है, हाँ, यही गलत स्लाइड। इसका एडल्ट कुछ इस तरह से डार्क ब्राउन कलर का इसका एडल्ट रहता है, और ये इस तरह से इसकी जो अगली अवस्था की जल्दी वाली स्टेज में जो इसकी हम कहेंगे कैटरपिलर जिसे लार्वा कहें, सेकेंड स्टेज अंडे के बाद वाली अवस्था, तो ये दूसरी में इस तरह से होगा। फिर बाद में ये सेमिलुपर, मतलब हल्का सा ये जो ना ऐसे चलता खाते जाता है और ऐसा कर्व सा बनाता है, जैसे फोटोग्राफ में दिख रहा है ना, दोनों फोटोग्राफ में ये एक ब्राउन है, मतलब ये थोड़ी बाद वाली स्टेज का है, और ये हरा मतलब थोड़ी पहले की स्टेज का, ये खा पी के पूरा सुसुप्त अवस्था में जाने की स्टेज में आ गया ना, के बाद इसकी संकी अवस्था आ जाएगी, संकी से फिर एडल्ट बनेगा, एडल्ट से फिर एग बन जाता है। इस तरह से कीटों का कैसे चलता है कि एडल्ट मतलब आपकी प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था क्या देगी अंडे, अंडे से फिर बनेगी कीड़े, कीड़े से फिर आपकी वो बन जाएगी संकी अवस्था, संकी अवस्था मतलब सुसुप्त अवस्था, सुसुप्त अवस्था से फिर एडल्ट निकल। इस तरह से ये कीड़ों का साइकिल चलते रहता है। और ये नुकसान वाली जो अवस्था होती है वो ये वाली अवस्था होती है, जो इल्ली आपको दिख रही है ना, इल्ली जिसे अपन कहेंगे वो, तो वो इस तरह से पत्तियों को छेद करती है, खाते जाती है और अपना साइज बढ़ाते रहती है ना। तो अपन आगे चले है ना, तो ये अब तीसरा इम्पोर्टेंट जो कीट है वो तंबाकू की इल्ली, बहुत फेमस है ये तंबाकू की इल्ली, तो आप भी सभी लोगों ने देखा ही होगा। इसका जो एडल्ट है मतलब इसका जो प्रौढ़ है वो कुछ इस तरह से दिखता है, पहली वाली फोटोग्राफ में दिख रहा है, दूसरी वाली फोटोग्राफ में ये गुच्छ में मतलब समूह में एग लेइंग करते हैं, अंडे देते हैं ना, और यहाँ पे देखना यहीं से ये एग लेइंग होने के बाद ये आप फोटो का क्लोजअप देखोगे दूसरी फोटोग्राफ में, तो बहुत सारी छोटी छोटी इल्लियां निकल रही हैं, कैटरपिलर निकल रही हैं इसे कह रहे हैं। तो फिर ये और बड़ी होगी, देखिए अभी छोटी इल्ली है, उसने इसकी क्लोरोफिल को पत्ती का जो हरापन है उसको खाना शुरू कर दिया, पत्ती को पूरा छल्ली कर देगी बिल्कुल। ये तंबाकू इल्ली क्या करती है, बिल्कुल पत्तियों को छल्ली कर देगी, पूरा ऊपर का जो क्लोरोफिल है पूरा पूरा खा लेगी ये इल्ली, और बाद में क्या होता है ये फिर ये वाला रूप धारण कर लेती है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो इसमें तीन धारियां दिख रही हैं, बीच में ब्लैक स्पॉट है, ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का इसका, ये जो बाद वाली तंबाकू की इल्ली की अवस्था है कैटरपिलर की, है ना। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं, मेरे हिसाब से आपने देखा होगा इसको, तो में बहुत कॉमन है, ठीक है। तो आगे चलें अगले कीड़े के ऊपर। हाँ, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कीड़ा जो है वो है आपका बिहारी हैरी कैटरपिलर। अभी बात कर रहे थे हम तंबाकू की इल्ली की, है ना, और अब बिहारी हैरी कैटरपिलर, जैसे नाम से ही मैं कह रहा हूँ कि हैरी कैटरपिलर मतलब जिसके शरीर के ऊपर, जिस इल्ली के शरीर के ऊपर रोए रोए से निकले हों, तो उसे अपन कहेंगे बिहारी हैरी कैटरपिलर। ये सोलह में बहुत ज्यादा था, ये इसका जो एडल्ट है प्रौढ़ जिसे कहते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, सफेद और हल्का सा क्या कहेंगे इसको, मटमैला सफेद टाइप का, ठीक है। फिर इसके अंडे जो है ये देखिए, इसके अंडे जो है ऐसे गुच्छ में होते हैं अंडे, है ना, और ये गुच्छ में फिर यहाँ से इल्लियाँ निकलनी शुरू होगी, दिख रहा है फोटोग्राफ से, मुझे लगा सभी को समझ में आएंगे ना। तो ये इसके मैनेजमेंट ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना है, जो बिहारी हैरी कैटरपिलर है जहाँ पे तंबाकू की इल्ली की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं शुरू में हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं ना, हमारी बाइयाँ खेत में देखते रहती हैं, हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कम से कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें समन्वित मैनेजमेंट के लिए ये क्या होते हैं, हर पत्ती पे एगलिंग नहीं करते, कहीं कहीं गुच्छे में करते हैं, है ना। तो गुच्छे में जहाँ हम घूमते रहते हैं, हम एक बार पहचान और पड़ गया हमको भी भैया ये बिहारी हैरी कैटरपिलर का अंड गुच्छ है, और ये आपका तंबाकू की इल्ली का मतलब गुच्छ है, तो हम उस पत्ती को तोड़ के उसको कुचल देते हैं, उसको कुचल देते हैं पूरा का पूरा। तो उससे क्या होगा कि जो शुरू में इल्लियाँ निकलने वाली थी काफी हद तक वो कम हो जाती है ना। तो ये मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि भैया इसको पहचान लिया और खेत में वैसे की वैसे छोड़ दिया, हमने तो पहचान लिया इसको, ये तो बिहारी हैरी कैटरपिलर है, वही बाद में बड़ी होगी पूरा खत्म कर देगी। जहाँ पे आपको दिख रहे हैं सभी पत्तियों में, जहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको निकालते रहना, डिस्ट्रॉय करते जाना। नेक्स्ट करिए प्लीज, हैरी कैटरपिलर में हेयर निकल रहा है, ठीक है। हाँ, अब कीट नियंत्रण की बात करें ना, ये कुछ इंसेक्ट है इसका हमने यहाँ पे पहचान का देख लिया, और अब हम बात करें कीट नियंत्रण की, है ना। तो कीट नियंत्रण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मॉनिटरिंग करने के लिए, मतलब मॉनिटरिंग करना मतलब एक प्रकार से हम फेरोमोन ट्रैप लगा दें खेत में, या रेगुलर हम खेत में घूमते रहें, देखते रहें कि कौन से कीड़ों का प्रकोप हो रहा है, कहाँ पे
कहाँ पे एग लेइंग ज्यादा हो रही है, तो इस तरह से मॉनिटरिंग करते रहें कितनी लार्वी है, कितने एडल्ट है एक पत्तियों में। इसकी एक संख्या होती है, जैसे कि अगर उसकी बात करें बिहारी हरी कैटरपिलर की तंबाकू कीली की बात करें, तो वो कहते हैं कि 4 से 5 क्रोर अगर 1 मीटर लेंथ में आपको नजर आ रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। ETL लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है ना, कि वहां तक तो अगर 4 से 5 अगर कीड़े हैं तो वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, 4 से 5 इंद्रियां हैं कुछ और इंद्रियां हैं तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ज्यादा है तो हमको नुकसान पहुंचाएगी। तो इसके लिए कीट नियंत्रण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मॉनिटरिंग है, लगातार खेत की विजिट करते रहना, मतलब रेगुलर फील्ड की विजिट आपको करते रहनी, देखते रहना कि कौन सा वाइट फ्लाई आ रहा है, कि आपको तंबाकू की इल्ली है, बिहारी हरी कैटरपिलर है, तना मक्खी है, तो ये सब चीजें आप अगर एक बार देखते रहेंगे, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वातावरण कैसा है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, तो ये मॉनिटरिंग से आपको पता लगेगा, उस हिसाब से फिर आप डिसीजन लोगे कि हमें अभी क्या करना है ना। तो अब मैं बात करूंगा सीधे सीधे, नेक्स्ट कर लीजिए, हाँ और आगे बस यहीं पे ये तना मक्खी। अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया है ना, अच्छा मैं बोलते जा रहा हूँ। तना मक्खी के लिए, तना मक्खी, सफेद मक्खी और ब्लू बीटल जो इंसेक्ट है, इसके लिए हम इमीडाक्लोपिड का स्प्रे कर सकते हैं, थायोमेथेक्सिम, सफेद मक्खी है तो थायोमेथेक्सिम 30 FS का स्प्रे कर सकते हैं। एक नया केमिकल आजकल कॉम्बिनेशन में केमिकल्स आ रहे हैं जिसमें थायोमेथेक्सिम प्लस लैम्डा साइमेथिन क्या करेगा, इल्लियों को मारने के लिए भी है और सफेद मक्खी को मारने के लिए काफी असरदार होता है। साथ में थायोमेथेक्सिम जो सिस्टमिक आपके जो सकिंग इंसेक्टिसाइड है उसके कंट्रोल के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन वाले जो इंसेक्टिसाइड है उनका आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं 1 से 2 डोज के, जब उनकी संख्या इंसेक्ट की बढ़नी शुरू हो जाएगी तब, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। अच्छा इसमें खासतौर पर कीटनाशकों का जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी कीटनाशक का आपने इस्तेमाल किया है उसके बाद अगला जो कीटनाशक आपको इस्तेमाल करना है वो दोनों कीटनाशक एक जैसे नहीं, क्योंकि कीड़ों में रिसर्जेंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मतलब अगर एक ही प्रकार के इंसेक्टिसाइड का अगर हम इस्तेमाल करते रहें तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी, और जो नया बायोटाइप है वो उस कीटनाशक के लिए वो कीटनाशक का उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम ध्यान रखें कि बदल बदल के अलग अलग ग्रुप के जो कीटनाशक है उनका स्प्रे करें, है ना। तो अब यहाँ पे गर्डल बीटल के मैनेजमेंट की कंट्रोल की बात कर ले, तो गर्डल बीटल के लिए भी आप थायोमेथेक्सिम प्लस लैम्डा साइलोसिन का स्प्रे कर सकते हैं। खासतौर पर गर्डल बीटल के लिए क्लोरेंट्रानिलीपोल इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोक्साकार ये 15.80% जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तीन इंसेक्टिसाइड है, इनमें से आप एक का स्प्रे कर लें पहले, अगर सपोज दैट आप इंडोक्साकार कर लें उसके बाद जरूरत पड़ती है तो फिर आप थायोमेथेक्सिम प्लस लैम्डा साइलोसिन कर लें, उसके बाद जरूरत पड़ती है तो फिर बाद में जाए क्लोरेंट्रानिलीपोल, जो कि सबसे ज्यादा पॉइजनस है, बहुत जल्दी इंसेक्ट को मारता है ना। तो फिर इसके बाद जो इंसेक्ट है सेमिलुपर और गर्डल बीटल तना मक्खी, यही सब कॉम्बिनेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही इंसेक्ट नहीं होता, 2-3 इंसेक्ट होते हैं, वो इंसेक्ट बने रहते हैं, सेमिलुपर भी है आपका, गर्डल बीटल भी है, तना मक्खी भी है, तो उसके लिए अभी जो नया इंसेक्टिसाइड है जैसे बीटा साइक्लोटीन प्लस इमिडाक्लोपिड, इन सबका स्प्रे आप कर सकते हैं, इंडोक्साकार भी रिकमेंडेड है ना। साथ साथ में जो बायो कंट्रोल का जो है उसका भी हमको यूज करना है, तो उसमें जो न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जो होते हैं उनकी भी हम स्प्रे यहाँ पे कर सकते हैं तंबाकू की इल्ली के लिए ना, तो ये आप इसका कर सकते हैं। फिर तंबाकू की इल्ली एवं कंबल कीड़ा जो है आपका, कंबल कीड़ा मतलब बिहारी हैवी कैटरपिलर जो मैंने बताया था, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी कुछ आपको नजर आ रहे हैं, लार्वी का कुछ आपको नजर आ रहा है तो जहाँ पे भी इकट्ठे हैं उनको पहले उन लीफ को तोड़ें, उनको इकट्ठा करें, उनको कुचल दें, मसल दें, उनको डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। उसके बाद जब हम खेत में निरीक्षण करते हैं कागज की तरह कहीं जालीदार पत्तियां दिखें, वहां पत्तियों के नीचे अगर कुछ लार्वी कुछ अंडकुच अगर दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार की पत्तियां और पूरे पौधे को धीरे धीरे इकट्ठा करके बोरी में डालते जाएं और अंत में खेत से बाहर ले जाकर नष्ट कर देना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट वही होगा। शुरू से ही आप अगर हम इंसेक्ट के लोड को कम करेंगे, कीड़ों की संख्या को कम रखेंगे अपने खेत में, तो हम प्रोडक्ट का उत्पादन अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे। तो इस तरह से
अब बात करें पत्ती भक्षक कीट की, तो यहाँ पे भी जो आपके इसमें ग्रीन फैमिल ऊपर और भी जो पत्ती भक्षक मतलब पत्तियों को ईट करने वाले जितने भी कीड़े हैं, तो उसके लिए ये जो कुछ इंसेक्टिसाइड है जैसे फ्लूबेंडामाइड, अभी मतलब ये नया इंसेक्टिसाइड है तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फ्लूबेंडामाइड ये 39.35% जो है, स्पाइनोटोरम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इंडोक्सकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका नीड बेस्ड है, 10 से 15 दिन में 1 से 2 स्प्रे आपको करना है एज पर योर नीड, मतलब जितनी जरूरत है। साथ में बोवेरिया बेसियाना या बीटी वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ना, तो इससे भी पत्ती भक्षक इल्लियाँ जो है उसके ऊपर उनकी संख्या कम हो जाएगी ना। तो खासतौर पर ये हमको ध्यान रखना है कि जो क्या जो इंसेक्ट है हमारे खेत में उसका कोई नेचुरल एनिमी मतलब उसको स्वतः कंट्रोल करने वाला कोई अगर कीड़ा हमारे खेत में, जैसे बहुत सारे बीटल्स होते हैं वो अगर हमारे खेत में हैं, तो हमें अगर उनकी संख्या पर्याप्त है तो फिर हमें इंसेक्टिसाइड के स्प्रे से बचना चाहिए ना। तो इस तरह से हम कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप है कि कैसे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट और इंसेक्ट मैनेजमेंट करें, तो उसमें आपको समर प्लोइंग आपको करनी है, गर्मियों में गहरी जुताई करनी, क्रॉप रोटेशन आपको करना है, जो अच्छी रिकमेंडेड वैरायटी है उन्हीं की आपकी ग्रो करना है, और समय पे आपको सोइंग करनी है, सीड ट्रीटमेंट आपको करना ही करना है, जो रिकमेंडेड फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड है जो बताया गया उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है ना। शो इन रो मतलब ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन रखनी है ना। ये सब इंसेक्ट और डिजीज मैनेजमेंट के पॉइंट्स हैं, मतलब ये कल्चरल प्रैक्टिसेस में आएंगे, ये लोड को कम करेंगे ना। ऑप्टिमम डेप्थ में आपको सोइंग करनी, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आप करोगे तो शुरू में ही हो सकता है कि डिले इमरजेंस हो तो तना मक्खी वगैरह का अटैक हो जाए, और जो रिकमेंडेड हर्बिसाइड है उन्हीं का इस्तेमाल करना है, रिकमेंडेड हर्बिसाइड और जितनी अनुशंसित मात्रा है उसी का इस्तेमाल, क्योंकि अगर ओवरडोज आपने दिया तो प्लांट आपका फिर कमजोर हो जाएगा। सोयाबीन जो है ना बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, बहुत सेंसिटिव क्रॉप है। तो अब इसके बाद मेंटेन ऑप्टिमम हेल्दी क्रॉप में, मतलब आवश्यकता से अधिक प्लांट आपके खेत में नहीं होना चाहिए, कम होगा तो आपको तो वैसे ही पता लगेगा कि भैया प्लांट पॉपुलेशन कम है ना। और एनपीके का और माइक्रोन्यूट्रिएंट का आपका जितनी आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड है उसके अकॉर्डिंगली उसके अनुसार आपको इस्तेमाल करना है ना। और राइजोम जैपोनिकम और जो पीएचडी कल्चर वगैरह उसका भी इस्तेमाल आपको करना है ना, और रेगुलर फील्ड माउंटिंग आपको करनी है। आप ऐसे नहीं कि आपने बोनिंग कर दी और एक महीने बाद जब वाइट फ्लाई आ गई, सफेद मक्खी आ गया, पीला मौजिक आ गया, या इल्ली ने आपका, इल्लियां तो खासतौर पे 4-5 दिनों में 10 दिनों में तो पूरी पत्तियां खा जाती हैं, अगर आप नहीं देखोगे तो पूरा खा जाएंगे ना। यहाँ पे कोई बहुत रेजिस्टेंट वैरायटी भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी वैरायटी हैं, कई बार स्कैप भी करती हैं, तो हमें फील्ड मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, ना कि सोयाबीन के लिए बल्कि दूसरी क्रॉप के लिए भी इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के लिए फील्ड मॉनिटरिंग आपको करते रहना चाहिए ना। और फिरोमोन ट्रैप वगैरह इंस्टॉल करें, तो फिरोमोन ट्रैप जो लगे होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो एडल्ट होता है ना वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं, लाइट ट्रैप फिरोमोन ट्रैप वो अपनी तरफ खींचते हैं, और वो आपकी जो थैली लगी है उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, जो आपकी प्रोड है वो इकट्ठे जाते हैं, उसको आपको पता लगेगा कि हमारे में ये इंसेक्ट का अटैक है, ठीक है। तो फिरोमोन ट्रैप वगैरह आप का इस्तेमाल करें, खासतौर पर जो अपन पॉलीहाउस वगैरह में करते हैं, जो हाईटेक कल्टिवेशन करते हैं, जो अच्छे फार्मर्स होते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सफेद मक्खी के मैनेजमेंट के लिए येलो स्टिकी ट्रैप वगैरह आता है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं ना। फिर आप एग पैरासिटाइट वगैरह जो ट्राइकोग्रामा और ये सब है उसका रिलीज आपको खेत में करना चाहिए ना। फिर जो रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड है उसका आप इस्तेमाल करें, दूसरे इंसेक्टिसाइड का ना करें, क्योंकि वो कुछ क्या करते हैं कि कुछ का कुछ जलवाते हैं। जो अभी मैंने लिस्ट आपको बताई जो पीपीटी में है, दीज आर रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड फॉर रिकमेंडेड इन दी सोयाबीन क्रॉप है ना। तो जो रिकमेंडेड है उसी का इस्तेमाल करें क्योंकि उसकी टेस्टिंग हुई है, दूसरा आप कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड डालोगे तो पता नहीं कि क्या होने वाला, हो सकता है मर इससे आपका कंट्रोल भी करे, हो सकता है आपकी फसल को भी बर्बाद करे ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है किसान भाइयों। इसी के साथ सर आप म्यूट हो गए हैं, पहले अपने आप को अनम्यूट करिए सर, आपकी आवाज मुझे मैं फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात रखने के लिए, और मैं चाहूंगा कि इसके बाद जो भी किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं कुछ यहाँ पे सीखेंगे और कुछ लोगों को और में इम्प्रूवमेंट में काफी हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई आपके सवाल जवाब हो तो हम जल्दी जल्दी करके ले लेंगे, क्योंकि मैंने मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम ऑलरेडी ले चुका हूँ। हेलो सर, वैसे तो हेलो आपने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है, मगर इसके बावजूद भी हाँ यदि जी, कुछ सवाल किसानों के हाँ मन में हो, जिज्ञासा हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्शन जो है ना, प्लांट प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंटली किसानों को आवश्यकता पड़ती है कि क्या करना, क्या डिसीजन लेना पड़ता है इमीडिएटली। तो ये बड़ा कोई चीज अगर कोई पूछना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अवश्य पूछें, और मेरा नंबर भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोयाबीन में काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सोयाबीन जो हो बेस्ट मैनेजमेंट। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बारीकी से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सब अच्छे से बताया है कि कौन सी बीमारी कब कैसे और क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। मुझे लगता है कि आपने ऑर्गेनिक के साथ साथ में जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको भी, और मैं किसान भाइयों से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाए, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजुडल इफेक्ट भी आ रहे हैं केमिकल्स के। तो कोशिश की जाए कि जो हाईली पेस्टिसाइड्स हैं उनको अवॉइड करके, और जो ऑर्गेनिक चीजें हैं BT है, जैसे बबेरिया है ट्राइकोडर्मा है, और इस तरह की चीजें हैं तो उनका ज्यादा इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रोड्यूस जो है क्वालिटी वाला होगा और सेफ रहेगा वो। अब मैं बलराम टीम के जो बाकी सदस्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी सवाल है या किसी पार्टिसिपेंट्स का हैंड रेज है तो वो अपने डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। तो एक एक करके आप आइए, और अभी मैं देख रहा हूँ किसी हैंड रेज हैं। पंकज जी सर, हैंड रेज तो नहीं है, एक प्रश्न है, हालांकि सर ने सारी चीजें कवर कर ली है और प्रश्न भी सर ने अच्छे से उसका उत्तर दे दिया, लेकिन फिर भी एक प्रश्न है तो हम उसको रख लेते हैं। सर ये नाम तो नहीं लिखा है कृषक भाई ने, तना मक्खी के बारे में पूछ रहे थे कि तना मक्खी का क्या उपाय करें, सर इससे आप थोड़ा बता। डॉक्टर साहब एक बार और थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दीजिए प्लीज। तना मक्खी का आपको बताएं, इसके लिए कोई ऐसी रेजिस्टेंस वैरायटी, क्योंकि आप तना मक्खी जो है वो लगभग लगभग बहुत सारे पौधों में इसकी इन्फेक्शन होती है, पर निर्भर करता है कि कितनी इसकी टनल बन रही है, कितनी सुरंग बना रही है। जनरली आप किसी भी पौधे को फाड़ के देखोगे कहीं ना कोई छेद थोड़ा सा मिल जाएगा, और थोड़ी बहुत अगर टनल बनती है तो कोई उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि प्लांट आपके छोटे पड़ रहे हैं और तना मक्खी का बहुत ज्यादा प्रकोप आपको लग रहा है, टनल आप फाड़ के देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो जो मैंने कुछ इंसेक्टिसाइड बताए हैं उनका आप एक दो स्प्रे कर सकते हैं अपने उस केस में। बाकी मैं चाहता हूँ कि इंसेक्टिसाइड के स्प्रे से बचा ही जाए, और आप समय से अगर बोनी करेंगे तो मेरे हिसाब से, कई बार हम देखते हैं कि थोड़ा लेट भी बोनी होती है, और कुछ तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जो बीमारी और कीड़े की समस्या है ना, ये वातावरण से जुड़ी हुई है। कई बार ऐसा वातावरण होता है कि हम चाह के भी चीजें ना बीमारियों और कीड़ों को नियंत्रित नहीं कर पाते, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार, मैंने देखा बीमारियों के लिए और कीड़ों के लिए, तो कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है, तो फिर आप इंसेक्टिसाइड वगैरह का इसमें करें जो रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड हैं। तना मक्खी के लिए काफी इंसेक्टिसाइड रिकमेंडेड हैं, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड में भी रिकमेंडेड हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। पर तना मक्खी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा ना, तो उसको सोयाबीन के साथ जुड़ा ही हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसकी इन्फेक्शन होती हुई है, और इतना हार्मफुल भी नहीं है, किसी किसी क्षेत्र में ज्यादा हार्मफुल होता है, तो इस तरह से आप कर। सर प्रदीप नामदेव जी ने हैंड रेज किया है, छिंदवाड़ा से हैं प्रदीप नामदेव जी। प्रदीप जी आप अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न रखें। प्रदीप जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो नमस्कार सर जी। हाँ जी प्रश्न पूछिए। सर छिंदवाड़ा से बात कर रहे सर प्रदीप नामदेव जी, बताइए सर। सर ये आपने जो इंसेक्टिसाइड बताया था मीडा क्लोरोपेड और सीटा वगैरह, तो हम लोग खुद भी करते रहते हैं, तो आप बेशक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और
खुद प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिएगा। सर मैंने प्रैक्टिकल करके देखा सर, इमीडा में सर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते सर, इमीडा क्लोरोपीडी। डॉक्टर साहब इसमें मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, शायद आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे। आई थिंक नीम या करण ऑयल जो है इसके साथ यदि इस्तेमाल किया जाए तो मे बी इफेक्टिव होगा। जी डॉक्टर साहब आपकी आपकी क्या राय है सर? हेलो हेलो हाँ। तो पवन जी आप थोड़ा सा इसमें जो है नीम ऑयल या कुछ जो करण ऑयल है इस तरह की चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं तो उससे थोड़ा सा इफेक्टिव कंट्रोल आपको मिल। हाँ हाँ ऑर्गेनिक का बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने तो हमेशा हम ऑर्गेनिक का एकदम से हम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक एकदम से पॉसिबल नहीं है। हम कहीं पे भी बात होती है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है, तो हमारा जो स्टेप ऐसा होना चाहिए कि हमें इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता ही ना पड़े। हम फील्ड की मॉनिटरिंग ऐसे करें और क्रॉप मैनेजमेंट इस तरह से करें कि हमें इंसेक्टिसाइड की जरूरत ही ना पड़े। उसके बाद फिर हम बात आती है बॉटनिकल्स की। बॉटनिकल्स जो आपने बोला नीम ऑयल और जितने आपके प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं तो वो उन सब का स्प्रे किया जाता है ना। उसके बाद फिर लास्ट में लास्ट ऑप्शन बचता है फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का। इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में अंतिम जो बान होता है वो होता है आपका फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का। अदरवाइज सब क्रॉप मैनेजमेंट और ये सब आपका बायो कंट्रोल एजेंट और उसके बाद आपका जो आप नीम ऑयल और करण ऑयल और जो और भी मार्केट में जो बायो फॉर्मुलेशन है ऑर्गेनिक की फॉर्मुलेशन है उन सब का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका इस तरह से इस्तेमाल करना है कि हम अपना क्रॉप का उत्पादन अधिक से अधिक भी लें और वातावरण को बिल्कुल हानि ना पहुंचे। जी बिल्कुल सर जी इस तरह से ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, मैं खुद खेती करता हूँ करवाता हूँ, हम भी यही ध्यान रखेंगे जहाँ आवश्यकता है उतना ही हम करेंगे। दीपक कौरव जी हैं, प्रश्न पूछिए सर। दीपक कौरव जी अपना प्रश्न रखें, अनम्यूट करें सर। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार सर, मैं नरसिंहपुर जिले से बोल रहा हूँ सर। हमारे इधर क्या है, आज के 5 साल पहले सोयाबीन बहुत अच्छा होता था, हम लोगों का एकड़ पर 8 से 10 क्विंटल उत्पादन आराम से निकलता था। लेकिन विगत 5 साल से सर ये कंडीशन है कि हम लोगों ने सोयाबीन की खेती छोड़ दी है और पिछले साल हम लोगों ने हिम्मत करके थोड़ा बहुत सोयाबीन लगाया, लेकिन पिछले साल भी वही कंडीशन हम लोगों के साथ निर्मित हुई। केवल 20-34 और 20-98 वैरायटी है जो 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन दिया उनने। तो सर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या, हमारे इधर गन्ने का रकबा बढ़ना है क्या? गन्ने की खेती गन्ने सर क्या है मैंने ये जी जी आप बोलिए, आप बताइए आप क्या बोल रहे हैं सर। जब से हम लोगों के यहाँ गन्ने का रकबा बढ़ा है तभी से ये सोयाबीन का मतलब डाउनफॉल शुरू हुआ है। जब गन्ना बढ़ा है और सोयाबीन का उत्पादन घटा। सिद्धार्थ जी आपके यहाँ गन्ना जो है ना, आप तो 5 साल का बता रहे हैं, आपके यहाँ तो गन्ना 15-20 साल से लग रहा है सर। रकबा की बात कर रहा हूँ सर, रकबा बढ़ा है हमारे इधर। तो रकबा तो बढ़ा है थोड़ा सा, 20% रकबा बढ़ा है, पर सोयाबीन का उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। सोयाबीन का क्या हुआ है, 2015 में तो आप बता रहे हैं 2015 में बहुत ज्यादा येलो मुजिक का अटैक आया, ठीक है। मैं खुद उस समय वहीं पे था, मॉनिटरिंग भी करता था मैं, पवार के होशंगाबाद में साइंटिस्ट था। तो पीला मुजिक की वजह से बहुत सारा एरिया, पूरा एरिया होशंगाबाद का और ये जो एरिया था नरसिंहपुर का, ये मतलब काफी सफर हुआ। तो किसान ने लगाना छोड़ा था, उसके बाद कम हो गया है ना। अब लास्ट ईयर क्या हुआ कि लास्ट ईयर कुछ ऐसा वातावरण बना, खासतौर पे ये आपका सितंबर वाला और जुलाई वाला, जिसमें गर्मी बहुत ज्यादा थी। टेम्परेचर आपका 30-32 ऐसा टेम्परेचर जा रहा था, ड्राई स्पेल जो आता है ना बहुत ज्यादा था ना। तो ये क्या हो रहा है, सोयाबीन आपको बताएं कि सोयाबीन बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, मतलब एक नाजुक फसल जिसे कहते हैं अपन, उस तरह से है। तो कुछ वैरायटियां इसमें सहनशील भी है, पर जो पुरानी वैरायटियां थी तो वो अभी पिछले बार परफॉर्म नहीं कर पाई। अब जब बारिश भी कई बार ज्यादा हो जाती है तो बारिश पौधे को कमजोर कर देती है, तो दूसरी बीमारियों का अटैक और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सोयाबीन एक बार हुआ नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ नहीं होगा ना। तो अभी जो नई नई वैरायटियां आ रही है, आप खासतौर पर 2098 हो गया, 2073 हो गया, 2116 हमारी वैरायटी है, अभी RBST 1135 निकली है ना।
जो नई नई किस्में हैं 2018-2017 की बात की निकली है उनका बीज आपको मिलता है तो आप इनकी खेती की तो आपको लाभ मिलेगा। और सोयाबीन हो रहा है ऐसा नहीं है, कई बार नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं सर तो हो रहा है वो सर हो रहा है ठीक है, लेकिन क्या है सर हमारे इधर जैसे हमने पिछले साल ये देखा है कि स्टेम फ्लाई के कारण ज्यादा दिक्कत आई हमारे इधर। नहीं सर ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स था, स्टेम फ्लाई का भी अटैक था, स्टेम फ्लाई का भी, फिर बाद में चारकोल रोट भी आ गया था। इस तरह से ना दो तीन चीजों का कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स की वजह से ना वो संभाल ही नहीं पाती। नहीं सर ऐसे ऐसे चार्ट दीजिए आपकी, जैसे मान लीजिए उस समय पर वो रो रहा है तो हम लोग प्री में उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि बाद में तो कुछ कोई आवाज आ रही है। सर मैं ये बोल रहा था जैसे एम्प्लाई के लिए सर ऐसा कोई मतलब जैविक नियंत्रण बताइए कि मतलब पहले से हम हाँ जैविक जैविक नियंत्रण स्टेम फ्लाई का ऐसा मुझे अभी है नहीं है मेरे संज्ञान में, अगर कुछ होता है तो फिर मैं आपको शेयर करता हूँ कि हाँ जैविक नियंत्रण स्टेम फ्लाई का अपन करते हैं। लेकिन जैविक स्टेम फ्लाई कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, स्टेम फ्लाई आता ही आता है पर वो कभी कभी सीवियर हो जाता है, ये प्रॉब्लम है ना। तो अभी तक तो ऐसा कोई है नहीं जैविक का कि जैविक से बिल्कुल 100% कंट्रोल कर लें अपन, तो अपन अभी और अगर मेरे संज्ञान में कुछ आता तो फिर आपको शेयर करेंगे चीजें। बाकी मैंने कुछ काफी चीजें उसमें बताई हैं, जैविक का भी है और कीटनाशक का भी है और सीड ट्रीटमेंट का भी है, तो वो सब चीजों का आप इस्तेमाल करें और नई वैरायटियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इससे आपको मुझे लगता नहीं कि कुछ प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर सातपुते साहब कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं सर। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो हेलो जी बोलिए। डॉक्टर पवन अमरते सर काफी सर नमस्कार सर, आपको प्रणाम सर। नमस्कार सर, बहुत ही विस्तृत जानकारी जो कि आवश्यक थी, आपने बहुत ही समय पर इसका आयोजन हुआ और जानकारी प्रदान करी, आपके लिए मैं आपको सर पूरी कोशिश की है सर, आज सुबह से मैं इसी के पीछे लगा हुआ हूं कंप्लीट। हां जी हां जी फोटोग्राफ्स और ये वो कि किसी को कंफ्यूजन ना हो, मतलब सेल्फ बिल्कुल बिल्कुल काफी फोटोग्राफ के माध्यम से और हर चीज इसमें बहुत मुश्किल होता है कि एक एक साइंटिस्ट इतनी सारी चीजों को एक साथ कवर करे और हर चीज समझ में आए ग्रास रूट लेवल तक, ये बहुत ही एक बधाई के पात्र हैं आप कि आपने बहुत ही अच्छी कोशिश करी। और मेरे ख्याल से लगभग सभी राज्यों में जहाँ जहाँ सोयाबीन होती है वहाँ वहाँ के रोग सोयाबीन के और उनका निदान किस तरीके से होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट मुझे ये लगता है कि आवश्यक रूप से अभी जो वातावरण का परिवर्तन चल रहा है, मौसम का परिवर्तन तेजी से चल रहा है और जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, अधिक उत्पादन वाली किस्मों की उपलब्धता होने के बावजूद भी चूंकि वातावरण में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, जैसा कि मैं अगर इसको कोरिलेट करना चाहूं मेरे इस तरीके से कि कोरोना वायरस की भांति, तो मैं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसान जो अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले नरसिंहपुर से भी जो किसान था जिनका एक था कि सोयाबीन का रकबा कम हो रहा है या इस तरीके की बात जो हो रही है लोगों के मन में जो एक आशंका भय नहीं कहूंगा लेकिन आशंका भी पैदा हो रही है कि इसको लिया जाए या कोई अल्टरनेट, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टरनेट का मिल जाना इतना आसान नहीं है जितना आसान किस्मों का मिल जाना है। तो जिस तरीके से आप और जो दूसरे वैज्ञानिक सोयाबीन के वैज्ञानिक जो से जुड़े हुए हैं और निरंतर प्रयास करते हैं और हर साल किस्मों को लाते जा रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कि किसानों की इतनी जागरूकता काफी होगी कि वो अपने आप को हर साल जो नई किस्में आ रही है उसके बीज को किसी न किसी तरीके से माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करें
और उसको अपने क्षेत्र में, चूंकि उनके क्षेत्र की जो किस्में हैं उन्हीं को कोशिश करें, बहुत अधिक इधर उधर दूसरे दूसरे राज्यों की किस्मों को ला के ना प्रयत्न करें। लेकिन किस तरीके से अब सिचुएशन को कंट्रोल में, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाया जा सकता है, पुरानी किस्मों को वो कोशिश करें कि ना ही लगाएं, भले ही एक जमाना था किसी किस्म का, जैसे JS-335 एक समय में बहुत अच्छी किस्म हुआ करती थी, ऑल इंडिया में होती थी, 95-60 अभी रीसेंट उदाहरण है कि हमारी बहुत अच्छी किस्म थी, लेकिन अब जिस तरीके से वातावरण बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसी तरीके से आगमन होते जा रहा है नई नई किस्मों का भी, न केवल जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, राजमाता सिंधिया, ये जो कि सेंट्रल जोन के जो कार्यरत क्षेत्र हैं, साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च भी, काफी किस्में अभी सेंट्रल जोन जो कि मुख्य एरिया सोयाबीन का आया है, और साथ ही साथ जो अन्य क्षेत्र भी हैं जहां पर नई किस्में का प्रादुर्भाव होता चला जा रहा है। तो किसानों के लिए मेरी एक बहुत बड़ी यही सलाह है कि वो मुख्य रूप से नई किस्मों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें, बहुत ज्यादा इसमें उनको अपने को अपने ज्ञान को उनको बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसमें नई किस्मों में वो ये देखें कि जो अधिक होता यह है कि हर साल दो चार किस्में आ जाती हैं और थोड़ा कंफ्यूजन फिर रह जाता है कि कौन सी किस्म लें का चुनाव करें। तो किस्म कोई भी चुनाव करें, उसके साथ साथ जैसा कि अभी अक्सर आपने बताया, वो सारे जो मेजर्स हैं, केमिकल मेजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड और जो सीड ट्रीटमेंट, जो बेसिक तैयारी होती है अभी से करने वाली, वहां से शुरू करते हुए करें और उसको फॉलो करें। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा केंद्रित करना चाहूंगा कि जो सूखे में जो कुछ सालों में सूखा आ जाता है, और लगभग 5 साल का एक इंटरवल है कि जिसमें सूखे की समस्या आनी ही आनी होती है, कभी कभी बारिश का बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैं केंद्रित करना चाहूंगा सूखे से संबंधित। और आपने जो दो प्रमुख बीमारियां जो अभी रोग जो बढ़ रही है सोयाबीन में, वो है एक तो जो आपने खुद कहा कि YMV जो आपने देखा था 2015 का जो समय था और उसके बाद, तो ये पहले यहाँ की बीमारी रोग नहीं हुआ करता था सोयाबीन का, ये उत्तरी क्षेत्र का रोग होता था, लेकिन अब ये जो है मध्य क्षेत्र से होते हुए दक्षिण क्षेत्र तक भी ये बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही साथ एक जो दूसरा रोग है वो है चारकोल रॉट, जो जिसमें की पौधा, जिसमें किसान को एकदम आखिरी में जाके समझ में आता है कि पौधा काला पड़ गया है, जड़ काली पड़ गई है, और इस तरीके से कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता है। तो और इनके लिए मुख्य रूप से इसमें हैं और इसमें समाधान भी हैं, केमिकल कंट्रोल मेजर्स भी हैं। मेरा इसमें एक सोच ये है कि जिस तरीके से किस्मों के विकास में, जो खासकर जिसमें जिन किस्मों में थोड़ा सूखा प्रतिरोधिता क्षमता है, तो ऐसी किस्मों के लिए जिसमें मैं आपसे एक मेरा एक एक अपनी क्यूरियोसिटी है बिल्कुल बिल्कुल सर जानने की अगर जब सूखे के लिए जब हम उसमें किस्मों का विकास करते हैं, तो सूखे का एक वातावरण होता है जिसमें नमी की कमी होती है, और इस तरीके से वो एक तरफ जहां पर खासकर जो पीला मोज़ेक है, जो जिसमें की जो सफेद मक्खी है, जिसकी अधिकता अधिकता हो जाती है, और जो वायरस के द्वारा इसको इसमें पौधे में डालती है, एट द सेम टाइम जड़ों से होने वाला जो चारकोल रॉट है, उसका जो फंगस है वो भी, तो इसमें मुझे जानकारी लेना था कि अगर आप क्या सोचते हैं कि जो सूखे वाली किस्में हैं उनका ज्यादा जो सूखा प्रतिरोधी किस्में हैं, ऐसी किस्मों को, और इसी तरीके से अब जो हम धीरे धीरे कुछ ऐसी किस्में आई हैं जो दूसरी तरफ मैं बात करूंगा कि जो अधिक अति वर्षा में भी अच्छा अच्छा कर रही हैं, और उससे तो अगर किसान भाई इस नजरिए से अब थोड़ा वातावरण के नजरिए से कि अगर कुछ ऐसा संभावना वो तलाश पाए कि अगले साल अधिक बारिश हो सकती है या सूखे की संभावना जो है,
उसको देखते हुए किस्मों के चयन पे अगर थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो मैं समझता हूं कि ये किसानों को ये उपयुक्त हो सकता है। थैंक यू। हाँ सर, बहुत बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, बहुत बहुत ही अच्छी बात बताई सर। वातावरण के हिसाब से भी हमें वैरायटी का चयन करना चाहिए क्योंकि बीमारी और कीड़े का तो है ही, वातावरण का भी बहुत बड़ा रोल है। तो सर सर, सर डॉक्टर आर पी जोशी साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और हेलो हेलो जी सर। हाँ सर जी सर जी सर, मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ सर सर। हाँ सर, मैं केवल एक तो बहुत धन्यवाद देना चाहता था इस प्रेजेंटेशन के लिए, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का प्रेजेंटेशन। हाँ सर सर सर। अच्छा, येलो वेन मोज़ेक से किसान को बहुत नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय। हाँ सर बिल्कुल, अभी इसके अभी इसके बचाव के लिए अपन क्या कर सकते हैं साहब? ये हो ही ना, ये शुरुआत में प्रिवेंशन। इसके शुरू से ही सर मैंने इसमें काफी स्टेप्स मैंने इन्वॉल्व की थी कि पहले तो कुछ अपनी जो नई वैरायटियां हैं उन्हीं का हम चयन करें क्योंकि उनमें हम लगातार उसी पे काम कर रहे हैं, तो हमें पता है हमारे एनोक्रम भी होता है, तो हमें पता है कि इन वैरायटियों में नहीं आता, आएगा भी तो दो चार दस प्लांट में थोड़ी बहुत संक्रमण होगी, निकल जाएगा ना। शुरू से ही अपन जैसे वो हम कहते हैं कि थायोमेथिक्सम 30 FS का जो ट्रीटमेंट है वो हमें करवाना है, उससे क्या होगा कि शुरू के 15-20 दिन वाइट फ्लाई का अटैक उसमें नहीं होता प्लांट, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। तो वो 10-15 दिन अगर हम अटैक वाइट फ्लाई का नहीं होगा तो 10-15 दिन अटैक नहीं होगा तो आपका 25 दिन का डिले हो गया वाइट उसका येलो मोज़ेक का, मतलब जो आपका येलो मोज़ेक का पहला सिम्टम्स आपको 15 से 20 दिन में जो पहला सिम्टम्स नजर आ रहा था वो आपको दिखाई देगा आपको एक महीने बाद, डेढ़ महीने बाद। तो एक डेढ़ महीने, अगर डेढ़ महीने भी अगर मान के चलो कि 45 days 55 days तक अगर इन्फेक्शन नहीं हुई या कोई थोड़ी बहुत भी हो भी गई तो उसके बाद प्लांट में हार्डीनेस आ जाती है, इन्फेक्शन होती भी है थोड़ी बहुत तो उसमें यील्ड लॉस है। लेकिन हाँ, अर्ली स्टेज में अगर इन्फेक्शन हो गया, मान लो जुलाई जुलाई में अगर सोयाबीन में पूरा पीलापन आ गया तो 15 अगस्त तक तो वो क्रॉप ही नहीं बचेगी, तो हमें 15 अगस्त तक हमें अपनी क्रॉप को बचा के रखना। उसके बाद अगर थोड़ा पवन जी, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ और बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ जी सर, जी सर बिल्कुल। थैंक यू पवन जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। जी सर थैंक यू। और आपके एक सीनियर हैं डॉक्टर अश्विनी जैन, जी सर वो मेरे साथ दोपहर में थे और उन्होंने कहा कि आज पवन का वो आप ही के विषय के। हाँ सर, हाँ सर जी सर, जी बिल्कुल। थैंक यू पवन जी सर, थैंक यू सर। शेख नदीम जी, थोड़ा शॉर्ट में अपना प्रश्न रखें, समय बहुत ज्यादा हो गया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार शेख जी। सर मैंने सोयाबीन की खेती में विगत 4 वर्षों से कर रहा हूँ। जी जी। तो बस सोयाबीन का ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि समय से पहले अगर अपन ने प्रबंध किया हाँ तो सोयाबीन में उत्पादन होता है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कीट आए अथवा ना आए, स्प्रे हमें मतलब करना चाहिए। हाँ, कुछ प्रिवेंटिव जैसे अपन कहते हैं, मैंने भी कहा कि अगर कुछ आपको लग रहा है तो हम फंजीसाइड का भी कहते हैं कि लास्ट में एक तो उससे आपको हानि नहीं होगी, उससे आपकी क्रॉप सीड भी बढ़िया बनेगा आपका और आपकी पैदावार ही बढ़ेगी उससे। मतलब जहाँ जरूरत है फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं तो आप दूसरे बॉटनिकल्स का भी जो दूसरे अपने नीम ऑयल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें इनपुट बढ़ाना पड़ेगा, अगर हम केयरलेस बनेंगे ना कि हमने लगा दिया, वो पहले वाली क्रॉप नहीं थी 1995 और 2000 वाली क्रॉप की, लगा दिया और काट लिया वो हो गया, अब वैसे नहीं रहा है, अब वातावरण बदल चुका है। वातावरण के साथ साथ जो बायो मतलब जो आपके इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज के जो कारक है उनमें भी बहुत बदलाव हो चुका है। उस हिसाब से हमने जातियां भी विकास की हैं, लेकिन जातियां भी विकास करते जा रहे हैं लेकिन जातियों में भी वो हमसे आगे निकल जाते हैं जी। तो ये है, इस तरह से ध्यानपूर्वक खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा। मैंने पिछले वर्ष JS 2067 लगाई थी सर, मैंने मात्र 70 किलो बोई थी मैंने, मुझे 45 कट्टी का उत्पादन हुआ था सर। गजब, बहुत बहुत
बहुत बढ़िया। मैंने उसका मैनेजमेंट ऐसा किया था सर कि जो इस जिले से बोल रहे हैं आप? जी मैं बैतूल जिले से बोल रहा हूँ। जी तो मैंने काफी अच्छा उत्पादन लिया मैंने सोयाबीन का, तो मुझे मैंने ऐसा मतलब समझा सोयाबीन को कि रोग आए अथवा ना आए, अपना जो शेड्यूल है हमें 15 से 20 दिन में फर्स्ट स्प्रे करना है और अपना प्रिवेंटिव लेके चलना। जी और सेकंड स्प्रे जब आपका 15 से 20 दिन का होता है उसके बाद सेकंड स्प्रे सही टाइम पे आपने कर दिया तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इसी तरीके से अगर सही स्प्रे अगर सही टाइम पे हो जाते है तो उत्पादन होता है सर, बिल्कुल होता है। अब होता क्या है कि मौसम साथ नहीं देता है या कटाई के समय पानी आ जाता है तो वो कुदरत का करिश्मा है, बाकी मेहनत करना अपना काम है। बहुत, तो हमारे बहुत ही सही बात कही है नदीम जी आपने। अब समय का ध्यान रखते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना जी जी। और डॉक्टर डीएस तोमर कुछ कहना चाहते हैं। तोमर साहब आप अपने आप को अनम्यूट करिए। एक छोटा सा प्रश्न था मुझे कि हर अपने किसान भाई हेलो हाँ सर वेरी गुड इवनिंग सर सभी को और हाँ, सबसे पहले डॉक्टर पवन जी आपने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, काफी व्यापक जानकारी दी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं, एक पॉलिसी मैटर है जो चूंकि आप लोग सर एक क्रिप सिस्टम में काम करते हैं हाँ, और मैं जो डॉक्टर सातपुते जी अभी कह रहे थे तो मैं उसको उन बातों को भी एंडोर्स करता हूँ। अपना एक जो इशू अभी डॉक्टर जोशी साहब ने भी बोला रीवा से कि YMB की बड़ी समस्या है, तो अब हम लोग फील्ड में काम करते हैं सब चीजें देखते हैं। दो चीजें कंट्रोवर्शियल हो रही हैं, एक तो ये सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड जो इंसेक्टिसाइड के कॉम्बिनेशंस को दे रहा है, जैसे प्रोपेनोफॉस को ले लीजिए, पहले प्रोपेनोफॉस 50 EC में आता था, अब उसके साथ उन्होंने साइपरमेथ्रिन जोड़ दिया, ठीक है सर। अब जो भी एंटोमोलॉजिस्ट हैं वो सब इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब जब भी हम सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स को यूज करेंगे तो इंसेक्ट का रिसर्जेंस होगा, और जब भी एबायोटिक स्ट्रेस होगा जैसे कि सूखे की बात हुई तो उस समय इसका इंसर्जेंस और ज्यादा बढ़ेगा, नंबर एक। नंबर दो जैसे सोयाबीन की बात, इसका कोई अल्टरनेट इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मिलना नहीं है, हमको इस क्रॉप को बचानी पड़ेगा और आप सब लोग बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। मेरा एक सुझाव ये था, और हम लोग सब चूंकि एक ही सिस्टम से पढ़े लिखे हैं तो एक ही बात हर बार कहते हैं तो व्हाइल डोंट यूज सर्टिफाइड सीड, ठीक है सर। अब सर्टिफाइड सीड की जब हम बात करते हैं तो फील्ड इंस्पेक्शन से लेके टेस्टिंग प्रोटोकॉल में ना तो सीड बॉर्न डिजीजेस को उसमें फील्ड इंस्पेक्शन में कहीं मेंशन करने की बात आती है और ना सीड टेस्टिंग प्रोटोकॉल में वो चीज बात आती है। तो अब यदि कोई सीड प्रीवियस सीड प्लॉट यदि सीड बॉर्न सीड से डिजीज से इन्फेक्टेड है तो केवल ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग करके क्या हम उसको खत्म कर पाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल पे इस बात को आना चाहिए कि हमारे सीड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में थोड़े परिवर्तन किया जाए। ये इशू है क्योंकि अपन सब लोग बैठे हैं इसलिए चर्चा हुई, हालांकि ये कोई वो नहीं है और मुझे ऐसा लगता है मेरा जो 20-25-30 साल में जो मैंने देखा उसमें ये चीज समझ में आ रही है। इसको मैं आपसे ये कहना हूँ कि इसमें सोयाबीन में सीड सर्टिफिकेशन जो होता है ना वो ऑब्जेक्टिवल सीड बॉर्न डिजीजेस के लिए होता है, तो अभी जैसे गेहूं में राइस में और बहुत दूसरी दूसरी क्रॉप नहीं, वीट राइस में तो ठीक है लेकिन हमारे सोयाबीन में नहीं है, तो इसमें भी इंक्लूडेड मतलब और जो डिजीज है जैसे इस विषय पर अलग से बात करूंगा उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब आगे बढ़ते हैं, समय भी ज्यादा हो गया है। डॉक्टर देवेंद्र प्यासी आपका हैंड रेज है सर। मुझे लग रहा है सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए चलिए, हाँ अनम्यूट नहीं कर रहा। अरे मुझे चिंता ना करें आप अपना रखिए सर। अब हम क्या रखें,
पहले वीडियो ऑन हो जाए तो रखें। आज तो हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे पहुंच गए हैं। खैर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा श्री पवन अमृत साहब ने। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट नोटिस में जो है इतनी तैयारी की, पारिवारिक समस्याओं के बावजूद भी इन्होंने जो है वक्त की गंभीरता को समझा और सभी किसानों के आग्रह को स्वीकार किया। बलराम संदेश हमेशा जो है अनुग्रहित रहेगा। ये बहुत ही प्रेरक और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी जानकारी प्रस्तुत की। मैं किसानों की ओर से, बलराम संदेश की ओर से, टीम बलराम की संदेश की ओर से, साथ ही साथ जो है सभी आज हमारे जो अतिथिगण थे सभी की ओर से आदरणीय पवन अमृता जी का सादर धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की जैसे कि समरी रही कि 75 से ज्यादा किसानों ने आज भाग लिया जिसमें 6 से ज्यादा राज्यों का प्रतिनिधित्व मिला, तो एक काफी अच्छा वेबिनार संपन्न हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे महाराष्ट्र के किसान, मध्य प्रदेश के किसान जो भी सोयाबीन को उगाते हैं और सोयाबीन को पसंद करते हैं निश्चित रूप से लाभार्थी होंगे आज के इस वेबिनार के, और आगे चल के सोयाबीन का एक बेहतर भविष्य है क्योंकि कुछ भी हो आत्मनिर्भर अगर हमको सक्षम बनाया है तो सोयाबीन का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज हम कच्चे घर से अगर पक्के घर पे आए हैं जैसा कि मैंने मालवा और निमाड़ में देखा और अनुभव किया, तो सोयाबीन की एक महती भूमिका रही है। पैसा सोयाबीन से ही प्राप्त हुआ है अन्य फसलों की तुलना में। हमें जरूरत है जो है इसके समय की प्रबंधन की और जिसके माध्यम से ज्यादा जो है उत्पादन को कैसे प्राप्त कर सके। निश्चित रूप से बहुत ही सफल वेबिनार रहा। मैं सबको बधाई देता हूं और आग्रह करता हूं। शिव सर जी, सर शिव सर आभार प्रदर्शन के लिए जी सर। बिल्कुल। आज तो सचमुच में ऐतिहासिक हमारा वेबिनार रहा है क्योंकि 2.25 घंटे से ज्यादा समय हो गया है सर, और बिल्कुल समा बांध के रखा आपने। निश्चित रूप से आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। पवन सर ने बहुत ही विस्तार से दोनों ही क्षेत्रों को, पैथोजन को भी, पैथोलॉजी पोर्शन और एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स को भी, जितने कीड़े हैं उनके बारे में भी विस्तार से बताया और जितनी बीमारियां हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया। निश्चित रूप से समय की मांग थी ये, और आपका जो विषय था वो बहुत ही बड़ा था, यह हमें भी समझ में आ रहा था, मगर चूंकि आप किसान बोनी में बिल्कुल व्यस्त है और उसकी सबसे ज्यादा डिमांड इस समय यही थी के साथ सोयाबीन के पैथोजन और सोयाबीन के इंसेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए, और आपसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति हमें नजर नहीं आया और आज आपने सिद्ध भी किया ये, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज के इस वेबिनार में डॉक्टर डीएस तोमर, डॉक्टर जी के सातपुते, डॉक्टर आरपी जोशी, डॉक्टर स्वप्निल दुबे, डॉक्टर दीपा गर्ग, डॉक्टर देवी सिंह पटेल, डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर विजय सिंह सूर्यवंशी, डॉक्टर एम के श्रीवास्तव साहब और डॉक्टर अखिलेश पांडे सर, इसके अलावा हमारे जो विशेष कृषक गण हैं जैसे दशरथ नंद जी पांडे जी, कृष्णपाल सिंह और बनप सिंह वर्मा का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज उपस्थित रहे। सारे किसानों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बलराम। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।